माताएं बहनें युवा, आप जो पोलिंग की बूथ है ना, बिपरियान को डंको बजा दियो कि अब की बार नागौर जिला में पूरे इंडिया में मैसेज जावे कि 95% वोट होया साहब कट होया कि नागौर में होया। तुम्हारी आप अनुरोध है, हाथ जोड़ एक एक बूथ पर, और नागौर जिला में सेव ज्यादा जो बोलिंग बूथ पर वोट पटकोला, और ज्यादा में ज्यादा बिना ए बार जो मंच पर बैठे हैं ना कि भाई ई बूथ पर 95-98 पोलिंग हुई है, बिना सम्मानित करेला और बढ़िया इनाम देवेला, और मारो वादो आप हूँ कि जी बूथ में ज्यादा वोट पड़ेला बिना मान सम्मान मिले लो तो कंपटीशन है जहाँ आपने पढ़ाई को है जिया, तो इमा आप पीछे मत रीजियो, एक दिन इमा मेहनत कर आप जोर जोर काम करीजो, और बाकी वादा आप हनुमान जी आप हूँ ज्यादा ज्यादा आपने कहने की जरूरत को नहीं, युवाओं की धड़कन है, किसानों की धड़कन है, और हमारे नागौर नहीं इंडिया की धड़कन है, इसको आप कामयाब करें। आपको यही अनुरोध है, सब हाथ खड़े करके वादा करो कि हनुमान बेनीवाल जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता के हम भेजे, और हनुमान जी की जयकारा हो और तेजा जी महाराज का जयकारा हो, नागौर से जीत के यही सभा होगी ऐतिहासिक। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा नागौर से पूर्व जिला प्रमुख रहे बिंदु जी चौधरी से कि आप आए और अति संक्षिप्त में अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। बिंदु जी चौधरी। राम राम साहब, आज इंडिया गठबंधन के लोकसभा रैली में आरएलपी का उम्मीदवार, इंडिया गठन का उम्मीदवार हमारा छोटा भाई हनुमान जी बेनीवाल, हरिंदर जी मिर्धा, जाकिर हुसैन जी, रामन्यास जी गावड़िया जी, मुकेश जी, मंजू जी, जारोड़ा जी, महेंद्र जी, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी भाइयों बहनों पत्रकार बंधुओं, मारा हूँ पहली वक्ता, बहुत सारी बातें आपने बता दी, मैं तो बहुत शॉर्ट में आपने बताऊँ कि हनुमान जी ने जितनी मैं जानूँ, मैं बहुत छोटे छोटा आजादू जानो, वो एन को आदमी है जो को आपकी मेहनत हूँ और आप लोगों के सहयोग हूँ ये ऊंचाई तक पुगियो। आज एक पार्टी बनानू बहुत दोरो काम है, पर पार्टी बनाई और पार्टी ने चलानू और आज ये मुकाम तक पुगनू और आपा सबकी बात बट लोकसभा में रखनी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो पहलवान बच्चा हो, आपा की बैंक की सबकी बात मजबूती में रखी और वो एहसास करायो कि वो नागौर को आदमी है और मजबूत आदमी है, और वो सब हुयो आप लोगों के सहयोग। अब हमला कहे कि साहब मैं तो पार्टी ई वास्ते छोड़ी के बटी ने माँ की इज्जत कोनी ही, मैं तो कहूँ बैंकी अठे जिला में बे हाजी ते बैंकी चालती, बे निकालता जगह निकाल देता, बे राखता जगह ने राख लेता, बे गया है ए ईडिया और शीडिया के चक्कर में और की काम को। अब कहे के साहब माँ के तो जी पर सरस्वती बोले, मैं तो देखिया भाई अगर एन कहीं सरस्वती बोले तो नहीं बोलोड़ी चौकी रे, अत्ता अत्ता हुगला बोले कि मारी ख्याल में कोई बहन बेटिया करने बैठी हुए तो आपा सुन नहीं सका, तो एन की सरस्वती आपा ने बिठानी को नहीं। नागौर जिलो एन को जिलो है जो हमेशा इतिहास बढ़ाए हुए और हमेशा बीबीसी बुलाइए, नागौर लोग डरे, नागौर अधिकारी आवे जकाई डरे कि नागौर चालनो है बड़ी मुश्किल काम होगा, और नागौर बारे का लोग भी डरे कि नागौर को नाम भाई नागौर का ही करी ठाको नहीं। तो आपने निवेदन करा हाथ जोड़ कि नागौर अब के बीबीसी बुलानी है, इतिहास रचानो है ताकि हिंदुस्तान याद रखे कि नागौर भी एक जिलो है। आप लोग पधारिया, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा पूर्व विधायक जायल और पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार मंजू जी मेघवाल से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आप मंजू जी मेघवाल के लिए बजाएं। राम राम साहब, आदरणीय सम्माननीय, आज के इस फार्म भरने नॉमिनेशन के इस कार्यक्रम में
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में विराजमान सम्मानीय बड़े भाई के रूप में विराजमान हनुमान जी बेनीवाल साहब, महेंद्र जी भाई साहब, जाकिर जी भाई साहब, चेतन जी भाई साहब, मुकेश भाई साहब, रामनिया जी भाई साहब, बिंदु जी, रामचंद्र जी, पूर्व विधायक विद्याराम जी, सम्मानीय आदरणीय पूर्व मंत्री जी और वर्तमान विधायक सम्मानीय हरेंद्र जी मिर्धा, सम्मानीय सारे मंचासीन अतिथिगण और मेरता की पूर्व विधायक, सभी प्रधान साहिबान, पूर्व प्रधान साहिबान, सभी मंच पर आसी सभी सम्मानीय जन प्रतिनिधि गण, सभी सम्मानीय अतिथि गण, और हम सभी को इस मंच बिठाने के लायक बनाने वाले सम्मान जो बैठे हैं इस धरती पर, आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पता है हम सभी लोगों से ज्यादा सुनने की बजाय आप हनुमान जी को सुनना पसंद करेंगे, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आपको परिचित के मोहताज नहीं है, कौन है, क्या है और कहां से आए हैं और कहां जाना है, ये सब लोग जो आप बैठे हैं आप सभी को भली भांति परिचित है। मैं जावेद भाई की बात पे जरूर इस एक बार गौर करना चाहूंगी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आरएलपी का तो जोश और कांग्रेस का होश, उन दोनों को मिलाकर आप 19 तारीख का दिन याद रखना। देखिए भाइयों, युवा साथियों, ये जज्बा है आपका जो चला है चलता आएगा, ये आपको 19 तारीख को दिखाना है, क्योंकि वही सबसे बड़ी ताकत आपके समझ में आएगी जब आप उस दिन पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देंगे और वोट देकर हनुमान जी को आप लोकसभा में भेजेंगे, वो सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि शादियों का दौर भी रहेगा, काम भी बहुत रहेगा, इसलिए वो तारीख आपको याद रखनी 19 तारीख का दिन, और उस दिन हर व्यक्ति को जिसका वोट लगता है उसको घर से ले जाकर आपको दिलाना है। और एक बड़ी बात है महेंद्र जी भाई साहब, मैं जब सुनती हूँ तो एक बात बड़ी खुशी और बहुत अच्छी लगी जब चर्चा सुनती हूँ कि बोले दूसरा कार्यकर्ता दे या ना दे, हनुमान जी का कार्यकर्ता चाहे कहीं भी हो पोलिंग बूथ वोट पहुँचता ही पहुँचता है, ये बहुत बड़ी आप लोगों की खासियत है। भाइयों, हमें आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, जो ये हाथ का और आरएलपी का दोनों का जो आपके हाथ में ये जो लगा रखा रेखा है इसको पकड़ लिया है, इसको मजबूती से रखना है और आगे 19 तारीख का दिन याद रखकर आपको जीताना है। अब जैसे कल की बात आई थी जब वहां से जयपुर से आप चले थे, हम सब लोग साथ में चल के चले थे, सभी के होड लग रखी थी कि हम कितने कितने से जिताएंगे, क्या करेंगे, मैं नहीं बोली क्योंकि चेतन जी ने बताया, सबने कहा हम इतने से जिताएंगे, हम तो 19 तारीख का दिन याद रखेंगे, और यहाँ जो बैठे लोग हैं सभी विधानसभाओं से पधारे हैं, मैं जाहिर से आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपको अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, पूरी मेरे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, आपको बहुत अच्छे वोटों से जिताकर आपको लोकसभा में दिल्ली भेजेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 19 तारीख का दिन हमारा मान, हमारा सम्मान हनुमान जी को आपको याद रखना है। राम राम सब। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि मंजू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं माननीय सम्मानीय नाथुराम जी मिर्धा के पोते और पूर्व में सांसद भानु प्रकाश जी के बेटे मनीष जी मिर्धा को मैं बुलाने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और सम्मान करें। मनीष जी आप आए और संक्षिप्त में अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मनीष जी मिर्धा। राम राम सा। बोलो छत्तीस कौम का आराध्य देवी देवताओं की। पहली बार मंच पर चढ़िया, कोई ना बोल जाता तो फिर अब आरी माजना पाड़ना शुरू कर देता। इवास्ते अब आर वो भाई लारू चूंटिया भरी यू, पहली लंबा लंबा नाम लेऊं कोनी। सम्मानित मंच अटे पधारियोड़ा सभी
बूढ़ा बडेरा, सभी माताओं बहनों और भाइयों और दोस्तों, दो दिन पहला मैं हनुमान जी के समर्थन में एक पोस्ट लिख दी। एक मिनट उतार दूं हेलमेट, नहीं विचार बीच में रट गया। हनुमान जी के पक्ष में पोस्ट लिख दी। एक दिन परसों रात का 12 बजे फोन आयो राते, फोन कर और भाइयों के कहे थे मिर्दई हो और कांग्रेस में ही हो, हालते ही सीबीआई ईडिया आई को नहीं गई था के। और मैं क्यों भाई, इलिया तो जद पड़े जद दान हुए, तो मैं तो बे लोग हाँ जगह कहेंगे कि यही को नहीं खोज यही खुला पड़िया है। महाकालो पंडित ही माने कह कैसे नहीं लागेड़ो था के, मैं के तो इलाज बता तो के 11,000 रुपया लागी, मैं बिता तो कोनी, तो के 5,051 में करा दे, मैं को बिता ही कोनी, जन के 101 तो ले मैं बही कोनी, तो के 1,000 रुपया तो देते ही मैं बही कोनी, जन के फेर जा फेर सनी थारो कहीं पड़े, तो मैं तो बे लोग आ जगह सनी की कौन पड़े, सीबीआई ईडिया कहीं पाड़ ली माँ को। अटे में आया हनुमान जी भाई साहब के समर्थन में, क्यों? क्योंकि वो दो पार्टियां को गठबंधन हुए है। अब मैं जकी बात कह रही हूं बा बड़ी ध्यान सुन जो आप लोग, अगर ई गठबंधन में आप विचारधाराओं नहीं जुड़िया तो आपका वोट अंतिम दिन 19 तारीख ने पड़ेला कोनी। सब पहलो काम आप लोगों ने कांग्रेस और आरोपा वाला ने करना है कि एक विचारधारा जुड़ना, और बा विचारधारा का ही है कि जका सामला है वह लोकतंत्र ने मारण में लागेड़ा है, वह रोज हत्या कर रहा है, रोज है सीबीआई ईडिया लगार लोगों ने अटी ने परेशान कर रहा है, बटीन ले जा रहा है, और माकावड़ा तो जाता जाता केर और जावेगा कांग्रेस तो बुजड़ी धुनी है। अब बुजड़ी धुनी कोनी, कांग्रेस तो अनंत ज्योत है, पर अब गया जकी उतरियोड़ी हांडिया है जकी बटी ने गीपरी। अब भी हांडी के कण ही तो भजनलाल जी ताप लगाने की कोशिश करे, कण ही कोई केंद्र को नेतो भेजे ताप लगाने, अब बुजड़ी हांडिया कदी को निपाची लागे, बाकी राबड़ी पचे खेता में ही ऊपर लागे मोल डांगने। सब बड़ी बात 19 तारीख ने आप लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, राड़ोपा के लोगों ने भी सोच ने कायम रखनो है, भी सोच ने कायम रखो तो जीतो, जीत ई बात पर ही हुएला के बे लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। मैं हनुमान जी के वास्ते आज ई वास्ते खड़िया क्योंकि वो अकेलो शख्स हो, अकेलो आदमी हो जगो लात मार एनडीए बारे आयो तो जब किसाना की 750 किसाना की हत्या हुई, 750 किसान मार दिया, कोई चू करण वालो कोनी हो। बिंके बाद में ओ अग्निवीर नयो ही लिया आया, और राजस्थान वाला तो अपन और एडवांस, अग्निवीर मंत्री बना दियो एक, वो सुबह बढ़ियो और शाम का ढड़गियो बिंगो पत्तो ही गोल लागियो गयो गठे, मोरिया बोल गया। सभी लोगों ने निवेदन है कि माँ के बहन बेटियां की इज्जत सबकी बराबर है, बाको की कोनी के बाब धर्म युद्ध है सबको, चलिया गया बटी ने, और बे भी सीबीआई या ईडिया लारे पड़े जान बड़ा बला चलिया जावा, पस बे कहीं ऊपर थोड़ी आयड़ा है। और एक छोटी सी कहानी बताऊं आपने, यूं पहली वो मारे गोदो कर दे के एक गदो
एक लोमड़ी और एक शेर हो। अब आपने ध्यान में जंगल में कभी डिस्कवरी या चैनल देखा हुआ तो शेर कभी शिकार कौन करे, शिकार शेर निया करे। तो शेर आयो आपकी टेरिटरी को रात का पूरा लियोड़ो, रात का गश्त पर हूं वापस आयो, सुबह जल्दी जल्दी आयो और के रास्ता में दिखी लोमड़ी, रे लोमड़ चल फटाफट नाश्ता को इंतजाम कर। लोमड़ी के जी सरकार अबार करा। लोमड़ी ढूंढने गई के किसो शिकार ढूंढा, किसो शिकार ढूंढा, आगे बहती गई के एक गद्दो लाद गो। गदान के महाराज महाराज कहीं करो की जगह थाने फटाफट साहब बुलायो है था को तो राज्याभिषेक होने वालो है, चलो फटाफट। अब गदा जी बोला आ गया साते 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 आयो और वो शेलडो लपक्यो लपक्यो और कानड़ा दोनों दोनों बारे तो ही गदो दौड़ भाग गयो। लोमड़ नगर जब फटाफट पकड़ ला वो तो भाग गयो। लोमड़ गई के चाल जल्दी जल्दी पाचो चाल, अरे क्या डपाल तू मरवा दे यो तो मने लारे पड़ियोड़ो मारन ने, अरे क्या मारन ने कोनी थारा कान पाड़िया, कान नहीं पाड़ता तो डपोल चंद मुकुट कटे पहन तो। अब गदो फिर बोलो चालो मुकुट पहनने के चक्कर में फिर आ गया, फिर सेल्डो आयो और फिर लारे गदा के पकड़ियो और अब की बार पूछड़ो आयो और गदो फिर नाट्यो नाट्यो जन के अरे लोमड़ फटाफट पकड़ ले रहा है ने पाचो गयो और भी ने कहो के चाल तू करे काई है, थारे तो पूरो राज्य अभिषेक होने वालो और तू घड़ी घड़ी दौड़ राजा वे, अर क्या तू लोमड़ मरा दे बो तो मार लारे पड़े मारन ने मने जन के वो मारन ने कौन पड़े तन्ने पूछ पाड़ी है ई वास्ते ताकि तू सिंहासन पर एकदम शानू बैठ सके। अब गदो लई बोलो तीसरी बार फेर आ गयो, तीसरी बार आयो और शेरडो गड़ पकड़ दब देनी। अब शेर लोमन ने कहो कि जल्दी कर सफाई कर और जका जका आपने बढ़िया है ऑर्गन ले रहा फटाफट काल जा कलेजी जको भी हुए लिया फटाफट। अब लोमड़ तेज लोमड़ दिमाग तो खा लियो बिंगो, बाकी वालों शेर ने फिट कर दियो। अब शेर कह के इनको दिमाग कट गयो तो क्या मालिक ही में दिमाग हो तो वो थांगन ने तीन तीन बार मरण ने थोड़ी आतो तो मारी बात और सुन लो, दो बार हो चुकी है कानड़ा और पूछड़ा जा चुके हैं। 2014 2019 दो बार हो चुकी है कानड़ा और पूछड़ा जा चुके हैं, अब की बार जावला गड़ो तो आ गलती अब की बार करनी कोनी है। पहली बार मैं जद आया नोटबंदियां गाली जीएसटियां गाली सारो की करियो, फिर भी बटे 40-41 जवान ने शहीद कर फिर पाचा आएगा डफोल बना। फिर दूसरी बार आया फिर भी के बाद में अच्छा अटे कितना जना है जका, मैं आपने एक रिलेटिविटी बतानी चाहूं, अटे कितना जना है जका कोई नाती रिश्तेदार जान पहचान को या यारी दोस्ती में कोई आदमी कोरोना के टाइम खत्म हुए हुए हाथ ऊंचा करो, जिन्हें आप जानता हो दूर को जान पहचान भी हो यारी दोस्तियां में भी हुए हो, समझा को नहीं थे कोरोना काल में कितना जना आपके जान पहचान मुंह शांत हो गया, सबके जान पहचान में कोई ना कोई गई ही है, सबके जान पहचान में भारत सरकार कह के सिर्फ 5 लाख लोग मरिया है, 140 करोड़ की आबादी अगर 5 लाख लोगों जुड़ती हुए तो फिर वो गणित तो भाई समझा सके मारू तो समझाई जे कौन है, मीनक मार दिया और फिर पार्लियामेंट में खड़ा और कह रहा है कि कोरोना काल में हमने अप्रत्याशित काम किया। भाई ओ प्रत्याशित है जन तो प्रत्याशित के हो तो सब कुछ कर दियो सारी आपकी, अब और जवाना की योजना ले रहा है अग्निवीर योजना,
जीवता रह गया तो नौकरी को नहीं, मर गया तो शहीद को दर्जो को नहीं। 4 साल का भाड़ा का टट्टू बना रख दिया लोगों ने। आ योजनाओं भी आप लोगों ने समझना चाहिए। हर चीज में ताली बजाउन की जरूरत को नहीं है। मोदी जी कह के मैं ले रहा हूं वो कहीं विकसित काल पहली लाता 2022 में के बिना किसाना की आय ने डबल कर देवा और फलान जड़ पुगा देवा ओ पुगा देवा। 2022 तो कने ही गयो। अब के बार बार की टेंशन रखनी कोनी, नहीं तो हनुमान जी जेड़ा पार्लियामेंट में हर दूसरे दिन सवाल पूछ ले। जन के अब की बार हनुमान जी को भी इलाज करा सारो 2047 में। अब हनुमान जी 2047 में भले सवाल पूछो के मैं तो कहो ना थाने के 2047 में देवा। 2022 का सारा टारगेट 2047 गया। आउन वाली 19 तारीख ने आप लोगों ने एक विचारधारा जुड़ना है और बा विचारधारा आ है कि अलोकतांत्रिक लोग जका बी तरफ बैठेड़ा है, जका आप लोगों ने आपको जवाना ने मारण में लागेड़ा, आपके किसाना ने मारण में, आज भी किसान बैठे वहां के किला ठोक्योड़ी आगे आगे आ कौन सके दिल्ली में आज भी, तो ए इतना किसान विरोधी, इतना जवान विरोधी, इतना महिला विरोधी लोग जका बैठे है सत्ता में, बाने पूरो सत्ताओं नीचे निकालनो है। बेके 25 की 25 आप लामा 25 की 25 और भी 25 में सबू बड़ी जीत होनी चाहिए बड़ा भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल की। और बा जीत किया हुई जद सारा का सारा, थोड़ा सो मैं माकाड़ा को बता दूं कि माकाड़ा थोड़ा कांग्रेस वाला है जका आलस कर जावे थोड़ा सो, अब की बार करनो को नहीं है और राड़ोपा वाला तो सोचनो भी को नहीं है आलस को। सुबह 5 बजे उठ जाइ जो और पोलिंग शुरू कराई जो। सारा का सारा कार्यकर्ता आप एक विचारधाराओं जुड़ो और भी विचारधाराओं जुड़ो ला तो आप एक दूसरा वास्ते वोट डलवा सकोला। मैं बार बार विचारधारा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने अगर वोट डलवाना है एक दूसरा वास्ते, नहीं तो ओ मारो कैंडिडेट ओ बिंको कैंडिडेट ओ फलान कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट को नहीं आप आना, सबका एक ही कैंडिडेट है हनुमान बेनीवाल जी और बांके वास्ते वोट लो आएगो मारे घोचो आएगो। अब मैं हमारी बात समाप्त करूं। अब माँ के मन में है थोड़ी सी हनुमान जी वाली सुन ला सारी की सारी, मैं आपकी बोलता रह गया तो फिर पर ओ आप हाथ जोड़ निवेदन है। और मैं ना तो कोई परिवार की बात करूं अटे, परिवार ने जिन्हें जानो हो उठरियोड़ी हांडिया चली गई, बांको बटी ने भी की कोनी बटनो है, बांको अटी ने भी की कोनी बटियो, समय समय की बात हुए, सबका समय आ खत्म हो गया समय। आज मैं कांग्रेस पार्टी के बीच में कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ, कोई माने अपॉइंटमेंट लेटर कौन दी और ना माने कोई को चाहिए, अटू माँ के चीरो लगाओ कांग्रेस पार्टी फनन करती बारे निकले ला, तो माँ के तो कांग्रेस पार्टी को पट्टो घालन वास्ते कोई की जरूरत ही कोनी, माने कोई अपॉइंटमेंट लेटर दियो ही कोनी आमू के आप फलान हो आप पदाधिकारी हो आप हो। मैं तो पार्टी जब सबू ज्यादा संकट के समय में है आज ही पार्टी वास्ते हार खड़ा होया, क्यों ना कद बड़ा ना पद पड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। आज पार्टी तकलीफ में है मैं पार्टी वास्ते खड़ा हाँ, आज पार्टी मुश्किल में है हनुमान जी के साथ गठबंधन करियो है, हनुमान जी खुद भी तेरे ला और कांग्रेस पार्टी ने भी वापस तेरा वेला। ये उम्मीद के साथ कि आप लोग 19 ने एक बहुत बड़ी जीत देने वाला हो और अब की बार वाली जीत पिछली बार वाली जीत कम कम दुगनी होनी चाहिए। आप आशा है आप उम्मीद है कि आप 19 तारीख तक तन बन धन हनुमान जी बेनीवाल के साथ लागोला और एक बहुत बड़ी जीत ले रहोला। राम राम। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा
खींवसर से पूर्व विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले और हनुमान जी बेनीवाल की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करने वाले नारायण जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन नारायण जी बेनीवाल, पूर्व विधायक खींवसर। नागौर की ये पावन धरा माते इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल की नामांकन रैली के मायने मंच माते बिराजुड़ा समस्त सम्मानित विधायकगण, पूर्व जिला प्रमुख जी, तमाम कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के पदाधिकारीगण और सामने विराजमान इस लोकतंत्र की नींव के पत्थर और इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों, देश का भावी भविष्य युवा साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आज छोटी सी सूचना के ऊपर आप हजारों की तादाद में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल को आशीर्वाद देने आप पहुंचे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस बार देश की संसद के अंदर हमें देखने को मिलेगा। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई और चूंकि समय का अभाव है, बहुत लंबा कार्यक्रम चल गया, मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा। अभी बिंदु जी ने एक अच्छी बात बताई और मंजू जी ने जो कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के एक विचारधारा मिलके और जोश और होश को सही अपना के इस ट्रिक से हमें 19 तारीख तक मैदान में डटे रहना है। और युवा साथियों से विशेष मेरा निवेदन रहेगा कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बड़ी संजीदगी से अभी मैं देख रहा हूं उन लोगों के पास और अब कोई हथियार नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया का हथियार है कि भाई भाई को लड़ाओ, पुराने वीडियोज लाओ, पुराने फोटो लाओ, अपलोड करो और इसी से मोदी जी देश के अंदर राज कर रहे हैं, आपने देखा होगा। इस चीज में हमें ध्यान रखना है सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत सकारात्मक हनुमान बेनीवाल जी ने क्या कार्य किए, कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर क्या अच्छे काम किए, उन सब बातों को हम कैसे भुना सकते हैं, इसके ऊपर हम सबको जोर देना है। और जो कल यहाँ नामांकन का कार्यक्रम चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, और उसके अंदर मैं थोड़ा हमेशा एक आंकड़ों की बात करने वाला व्यक्ति हूं, कल जिनके जबान पे सरस्वती विराजती है उन नेताजी का जिक्र भी अभी हुआ। मैंने एक दिन किसी समझदार आदमी ने पूछा, अब अपने को यदि इतिहास की और विज्ञान की जानकारी लेनी है तो हमें हमारे बुजुर्गों के पास बैठना पड़ेगा। मैंने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पूछा, मैं इनका चार चार पांच पांच बार विधायक रह गए और ये ऐसे इनके जबान पे सरस्वती विराजती है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा ये कारण है कि शिक्षा के अंदर शायद मेरे हिसाब से चौथी पांचवी पास नहीं है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को देखो, जनप्रतिनिधि जो होता है वो गाड़ी के अंदर हेडलाइट का काम करता है, सिर्फ अंसाणा अंसाणे का मंच अलग होता है, ये जो मंच है इसके ऊपर हम अच्छी बात बताएं, आप लोगों का भावी भविष्य हम कैसे तय करेंगे, क्या हमारी विचारधारा है, कैसे हम सब लोग मिलके और राजस्थान और देश के अंदर किसान और जवान का स्वाभिमान का झंडा हम बुलंद करेंगे, ऐसी बातें हमें यहाँ करनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और कल बहुत हांतरी मारवाड़ी में अटफटकारा ठोके हुआ कि माँ को तो मोदी जी हांतरों काम करियो, जो मांग रीति नीति में मन लागियो जगह मैं भारतीय जनता पार्टी में गियो परो, पर मैं वो आंकड़ों ले आयो हूं आज बहुत साल पहले कि इंडिया बुल्स ने किया 1,00,000 करोड़ का घोटाला स्वामी। इस अखबार की बहुत बड़ी कटिंग है, पूरे देश के अंदर छपी कि इंडिया बुल्स, जिसके अंदर ज्योति मिर्धा जी भी डायरेक्टर हैं, उस फर्म ने 1,00,000 करोड़ का घोटाला किया। आप देख रहे हो अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने यह ध्यान रख रही, किसी ने 5 रुपए का घोटाला किया ना उसको भी पकड़ो, तो 1,00,000 करोड़ का घोटाला किया तो बीजेपी में जाना ही जाना है। और दूसरा, जिस दिन इन लोगों ने बीजेपी के अंदर एंट्री की, देश के प्रमुख अखबारों ने छापा कि रिचपाल वे पुत्र विजयपाल, लालचंद वे रिचपाल समधी है, ज्योति मिर्धा भाजपा में गई तब से चर्चा थी कि रिचपाल वे उनके पुत्र भी भाजपा में जाएंगे, विधानसभा चुनाव हारने के बाद से रिचपाल कांग्रेस से खपा भी थे, रिचपाल की बेटी तारा के पति रविंद्र भाकर IRS ऑफिसर हैं जो CBI के रडार पर हैं,
और जो सीबीआई के रडार पे जो होते हैं उनको बीजेपी ही ज्वाइन करनी पड़ती, इस चीज को आपको बहुत बड़ा ध्यान में रखना है। और ज्योति जी कल भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा विकास नागौर जिले के अंदर किया। ज्योति जी जब सांसद थे उनके बाद सीआर चौधरी साहब सांसद रह गए। आपको शायद ध्यान नहीं है कि जो सांसद बनता है उसका अलग से खाता खुलता है, और 18 महीने तक जब तक अगला सांसद कार्य नहीं कर ले और उसकी समस्त कार्यों की यूसी और सीसीओ का समायोजन नहीं हो जाए तब तक सारे पैसे उसके खाते में पड़े रहते हैं। तो ज्योति जी बन गए और ज्योति जी के बाद सीआर साहब बन गए 5 साल बाद, और फिर जब हनुमान जी बने तब हनुमान जी का खाता तो चेक करो भाई, विकास भी नहीं हुआ, एमपी एमएलए का पैसा कहां जा रहा है। तब अखबारों छापा कि ज्योति मिर्धा के सांसद निधि खाते में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए पड़े हैं और वो सारे के सारे पैसे हनुमान जी ने खर्च किए। अब ये तो देखिए इन लोगों की विकास की सोच है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा आपसे, किसान का बेटा हूं और झूठी बातें मेरे को आती नहीं है, और किसान के बेटे सारे आज अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं आज कांग्रेस और हमारे क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति हो सकती है कि समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति के अंदर बिठाएं। अभी आपने कल परसों देखा होगा कानून मंत्री हमारे जोगाराम जी पटेल का बहुत बड़ा वक्तव्य छपा, उनको भजन लाल जी से मिलने नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में 1 लाख की थैली नहीं है उनको किसी को मुख्यमंत्री से मिलने की इजाजत नहीं है। देखिए कितनी बड़ी शर्म की बात हमारे सबके लिए। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि आप सबके हक और अधिकार के लिए रात और दिन जाग के हनुमान बेनीवाल ने आपके लिए संघर्ष किया। मैं तो इतना निवेदन आप सबसे विशेष रूप से करूंगा 19 तारीख को प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान बेनीवाल बनके और मत का उपयोग सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मत का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ के अंदर कन्यादान का महत्व है कि यदि हम कन्या का दान किसी बदमाश व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं तो कन्या को ही नहीं पूरे परिवार को जिंदगी पर आंसू टपकाने पड़ते हैं, वैसे यदि मत का दान यदि हमने गलत व्यक्ति को दिया तो 5 साल यानी 60 महीने तक हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरा विशेष आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग मिलके और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल जी को भारी मतों से आप जिताना है। नागौर वासियों को एक ही नारा इस बार देना है कि अब की बार 4 लाख पार, इस चीज का ध्यान रखे और भारी तादाद में मत और समर्थन आशीष हनुमान बेनीवाल को दिला के और किसान कौम का झंडा देश के अंदर आप सबको मजबूत करना है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि नारायण जी बेनीवाल के लिए एक जोरदार एक बार तालियां बजाएं और उनका आभार व्यक्त करें। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा डीडवाना से पूर्व विधायक अपन सबके एक चहेते नेता के रूप में चेतन जी डूडी का निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियां चेतन जी डूडी के लिए, पूर्व विधायक डीडवाना। राम राम साहब। आज हनुमान जी बेनीवाल की इस नामांकन रैली में मंच पर उपस्थित हमारे सबके प्रिय लोकप्रिय बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल, महेंद्र जी चौधरी, हरेंद्र जी मिर्जा, जिला अध्यक्ष जाकिर भाई, लाडनू से विधायक मुकेश जी भाकर, गावड़िया जी विधायक पर्वत सर, तमाम मंचस्थ मंजू जी, तमाम मंचस्थ अतिथि, बहुत ही सम्मानित मेरे सामने विराजे हुए बुजुर्ग युवा साथियों, देखिए मुझे याद है कि जब हनुमान जी बेनीवाल ने सबसे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा तो एक चित्र में देखता हूं, एक फोटो में देखता हूं जिसके अंदर लगभग ऐसा ही एक माइक था, हनुमान जी बेनीवाल खड़े और इनके पास में मेरे पिताजी खड़े रहे और ये कोई जनता को संबोधित कर रहे हैं, कोई बातचीत हो रही थी। वो चित्र आज दिन तक मैंने सहेज के रखा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मेरे पिताजी जिन्होंने शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की राजनीति की, लिर्धा को कांग्रेस पार्टी से सांसद बनाने में मदद की, उनको पार्टी ने टिकट दी तो उनकी खिलाफत हुई। कारण कुछ ऐसे रहे कि जब बात रही मीठा पानी पहुंचे नागौर के लोगों के लिए पहुंचे तो उस वक्त ज्योति जी मिर्धा ने सोनिया गांधी जी के सामने वो प्रस्ताव रखने से मना कर दिया कि नागौर के लोगों को पीने का मीठा पानी हिमालय का नागौर में मिले। वो एकमात्र कारण था जिसकी वजह से मेरे पिताजी स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी ज्योति मिर्धा की खिलाफत में उतरे।
ये बात मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए रखना चाह रहा हूं कि ये छोटी बात नहीं रही। कोई नेता अगर अपने लोगों के लिए काम के लिए उनकी सुविधा के लिए मना कर दे और अपना जो शीर्ष नेतृत्व हो उसके सामने अगर वो बात नहीं रख पाए तो उस नेता की कमजोरी है। और ऐसे कमजोर नेता को कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं, चाहे इधर आज बैठे हैं चाहे आज से 10 साल पहले बैठे रहे, 20 साल पहले बैठे रहे, वो स्वीकार नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम लोग तीनों काले कानूनों का विरोध कर रहे थे उस वक्त यही हनुमान जी बेनीवाल इंडिया गठबंधन से सांसद थे। मैं स्वयं बॉर्डर पे 3 बार गया और ये हनुमान जी बेनीवाल इंडिया गठबंधन को तोड़ते हुए तुरंत एनडीए गठबंधन को तोड़ते हुए तुरंत प्रभाव से दिल्ली बॉर्डर पे आके बैठ गए। और उसी वक्त पीयूष गोयल नाम के केंद्र के मंत्री थे, उन्होंने फोन किया कि अमित शाह आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप एनडीए गठबंधन को तोड़ के वहां बैठे, ये अमित शाह को स्वीकार नहीं है। तो हनुमान जी बेनीवाल ने पीयूष गोयल को ये कहा कि मुझे आपका गठबंधन स्वीकार नहीं है, मैं किसान के साथ बैठूंगा, मैं उस कौम के साथ बैठूंगा जो कौम ना ठंड देखती है ना गर्मी देखती है ना सांप देखती है ना बिच्छू देखती है, इस जमीन पे अपना हल चला के अपने परिवार का पेट पालती है और पूरे के पूरे भारत का पेट पालती है। अभी कुछ लोग बोल रहे थे, मिर्धा जी बोल रहे थे धुनी बुझगी धुनी बुझगी, मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी धुनी बुझ गई। इस कांग्रेस की धुनी उस किसान के खेत में जगती है, इस कांग्रेस की धुनी उस गरीब माँ के चूल्हे में जगती है जो पूरे दिन खेत में काम करती है, शाम को आके उस राख को हटाती है। आप लोगों ने देखा होगा एक पुरानी परंपरा रही हमारे यहाँ कि खीरा है जगह राख के हटे दबाजे था, और भी आग ने शाम का भी राख ने आंतरे कर और खाली 2 या 3 फूंक देता तो बे खीरा पाचा जाग जाता और बाबूडी माँ बाबूडी औरत आपके बच्चों वास्ते रोटी बनाती। तो मैं बा ना कहनी चाहूं कि मैं बा राख है बा बानी जगह हटा दिया और हनुमान जी बेनीवाल बैठा है यहां निकली धुनी जागेली अत्ता वोटाऊ जीतेला कि आज दिन ताई नागौर को कोई सांसद जत्ता वोटाऊ नहीं जीत सके है, भी ज्यादा वोटाऊ हनुमान जी बेनीवाल इंडिया अलायंस का अपना नेता आपने टाकर सांसद बनर जावेला। बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अभी फिर मनीष जी मिर्धा की बात करूंगा। ये कुछ बोल रहे थे इधर से बोले मोरिया बुला दियो मोरिया बुला दियो, मोरिया तो बाहर ला रहे कि थोड़ा घना माका भी बोलिया, लेकिन नागौर हूं तो बुला दिया। अब के जो चुनाव है कि माए कोचर जानो कोचर राज ने बोलिया करे कोचरी बे कोचरा बुला देनी है, मैं थाने बाहर भी कहूंगा इतनी ज्यादा बात मेहनत करनी है इतनी ताकत लगानी है कि सब ज्यादा रिकॉर्ड बताऊ। एक सांसद जीत्या करता पहली पासवान जी हाजीपुर बांको संसदीय क्षेत्र हो हाजीपुर रिकॉर्ड बनाता हूं कि सब ज्यादा वोटा जीतता। अब की बार भी रिकॉर्ड ने अपन तोड़नु है और तमाम जगह लोग अट बैठा है मैं सहित सगड़ा का सगड़ा लोग ही पर सहमत या कि मैं लोग इंडिया अलायंस में नागौर की सीट चाहवा, मैं लोग चाहवा आरएलपी और कांग्रेस सागे हुए और एक स्वाभाविक गठबंधन है। हनुमान जी भाजपा के सागे पहले के दी रिया एकर ए भाजपा में रही कौन सके भाजपा तो टूपियो जेवे और तोड़ बम लगे डरिए वाले आज संस्कृति कांग्रेस की है। कांग्रेस में सागे बैठा सागे लड़ा फेर पाता सागे हो जावा तो स्वाभाविक एक गठबंधन है कांग्रेस को और आरएलपी को। मैं बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें नहीं कर सिर्फ धनाई कहनी चाहूं हिम्मत हनुमान जी आपा ने मिले और आपा सगड़ा मिल हनुमान जी ने हिम्मत दे इस चुनाव के मायने जका लोग। एक छोटी बात और याद आएगी सतपाल मलिक डीडवाने आया मोदी जी का बनाया गवर्नर डीडवाने आया और बे बात की कि जब किसान आंदोलन पे बैठे थे दिल्ली बॉर्डर पे तो मैं मोदी जी के पास गया और मोदी जी को बोला मोदी जी किसानों के साथ अत्याचार बंद करो 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी है
आप इनकी बात सुनो, इनसे बात करो। तो मोदी जी का क्या जवाब था पता है? ये बात सत्यपाल मलिक ने कही है कि मलिक भाई आप जानते नहीं हो, ये जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं ये आतंकवादी है, आतंकवादी। अगर भारत का प्रधानमंत्री किसान को आतंकवादी बोलता है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। ये वो किसान है जो अन्न देता है, ये वो किसान है जो अपने बच्चे को फौज में भर्ती कराता है और उसका बच्चा बॉर्डर पे अपनी जान देता है, इस देश की रक्षा करता है। इसने फिर इसी मोदी ने हमारे लात मारी है और हमारा बच्चा जो किसान का 95% फौजी जो होते हैं सैनिक है वो किसान का बच्चा होता है और फिर से उनकी रोजी पे उनकी रोटी उनको छीनने का काम इस मोदी ने किया है। तमाम सारी बातें आप लोगों के बीच में है, सब लोग आप सब चीज जानते हो। नारायण जी ने भी और बता दी कि ये लोग क्यों चले गए, केस वेस पता नहीं क्या क्या होते रहते हैं, पैसे वाले लोगों के झंझट हैं, हमारे जैसे लोगों के झंझट पांती नहीं आते, हमारे जैसे लोगों कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा, कल का जलजला बड़ा भारी था, इतनी भारी तादाद में लोग आए, रात को 11:30 बजे तक मैं हनुमान जी के साथ था और आखिर में बिना बताए गाड़ी से उतर के जाना पड़ा। मैं हनुमान जी यहाँ चाल आजरे लोग सारी रात अपन शोभा दियला नहीं और कल सुबह 5 ही सभा है, लेकिन आज आपकी ताकत आपकी संख्या देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ ये बोल सकता हूं, जिस रिकॉर्ड का सपना मैं देख रहा हूं, जिस मार्जिन का सपना मैं वो देख रहा हूं, हम सब मिलके उसको पूरा कर देंगे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, राम राम साहब। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ चेतन जी का आभार व्यक्त किया जाए और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, बहुत युवा विधायक पर्वत सर से वर्तमान विधायक नागौर की एक बहुत मजबूत आवाज अपन सबके एक पसंदीदा चेहरे भाई रामनिवास जी गावड़िया से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य अपने बीच में रखें। आज हमारी कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने नामांकन किया, आदरणीय बड़े भाई श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब को मैं सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही इस मंच पर मौजूद हम सब लोगों के आदरणीय हरेंद्र मिर्दा जी, बड़े भाई महेंद्र चौधरी जी, आदरणीय जैल से मंजू मेघवाल जी, बड़े भाई मुकेश भाकड़ जी, चेतन डूडी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी के नागौर जिले के मुखिया और मकराना के विधायक जाकिर हुसैन जी, साथ ही मेरे सामने उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के और आरएलपी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच साहिबान, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण, मैं आप सब लोगों को इस पावन मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पिछले 15-20 रोज से हर रोज नागौर में ये चर्चा होती थी कि कांग्रेस पार्टी किसको अपना टिकट देकर भेजेगी और सब लोगों का मन था कि इस बार हम सब लोगों को जो देश में एक हवा चल रही है कि जब मोदी जी ने नौजवानों के साथ जो कुटाराघात किया, किसान के साथ जो अत्याचार किया, ईडी और सीबीआई के दम पर पूरे देश में एक ऐसी सरकार को पनपाने का काम किया जिसमें लोकतंत्र को खत्म करके हमारी संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करते हुए आम और नौजवान और किसान को परेशान किया जा रहा है, उन तमाम ताकतों को जवाब देने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर एक राय करके ये हमारी पार्टी को कहा कि हम सब लोगों को आरएलपी के साथ गठबंधन करके नागौर में लड़ना चाहिए और ये उसी का परिणाम है कि आदरणीय खड़गे साहब ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमारी बात मानी
और आज वो खुशी का दिन आया है जिस दिन हम सब लोग नौजवान और किसान के घर में जन्म लेने वाले वो लड़ाका जो किसान की नौजवान की बात करता है, आज हम सब लोगों ने नामांकन फॉर्म भर दिया। अब आने वाले समय में हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि घर घर जाकर ढाणी ढाणी जाकर हम सब लोगों को इंडिया गठबंधन को जिताकर भेजना है, ताकि आने वाले समय में हम सब लोगों को मजबूती मिले। जब कल हनुमान जी का नागौर आगमन हुआ तब लोग इस बात की टकटकी लगाए हुए थे कि क्या कांग्रेस के नेता, क्या कांग्रेस के विधायक हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करेंगे, लेकिन बॉर्डर पर इनका पायलट बनकर मैं पूरे नागौर जिले में इनको लेकर चला। तो मेरे नौजवान साथियों ने कहा कि एमएलए साहब, असली जगह तो हनुमान जी अभी आए हैं। हम सब लोगों के भी ये एक दुविधा रहती है कि परबसर में रामनिवास गावड़िया चाहिए, नागौर में हनुमान बेनीवाल चाहिए, नावा में महेंद्र चौधरी चाहिए, डीडवाना में चेतन डूडी चाहिए, और लाडनू में मुकेश भाकर चाहिए, मकराना में जाकिर जी चाहिए, जायल में मंजू जी चाहिए। लेकिन हम सब लोग दुविधा में रहते हैं कि आप अलग अलग पार्टियों से लड़ जाते हो और आपस में तालमेल आप लोगों के नहीं रहता। तो इस बार हम सब लोगों की जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस परिवार से आती है। आज हनुमान जी के समर्थक चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन उसके परिवार की अगर पृष्ठभूमि देखोगे तो वो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी भी होगी। और उस नौजवान को भी बुरा लगता है कि एक बाप कांग्रेस पार्टी का वोट मांगता है और बेटा आरएलपी का वोट मांगता है। इसलिए पूरे नागौर के नौजवान और किसान की सारी दुविधा को खत्म करते हुए इस बार कांग्रेस पार्टी और आरएलपी पार्टी का जो गठबंधन है आने वाले समय में नागौर जिले में इतिहास रचेगा, इस बात का संकल्प हम सब लोगों को लेना पड़ेगा। आज आप सब लोगों ने यह बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आप सब लोगों से ये हाथ जोड़कर कहूंगा कि सारी पुरानी बातें भूल जाओ। आज हम सब लोग किसान परिवार से निकलकर राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति करके अपने दम पे आपके आशीर्वाद से प्रदेश की और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने वाले लोग इस मंच पर विराजमान है। हम सब लोगों के साथ मिलकर इस नागौर जिले की राजनीति को हम सब लोगों को एक नया मुकाम देना है, इस बात का संकल्प हम सब लोगों को लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा और आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इस नागौर का नौजवान, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में इंडिया मार्ट गठबंधन को जिताकर भेजेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अब मैं अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में बुलाने जा रहा हूं, जिसने राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर के विधानसभा तक अपना परचम एक अलग तरह से लहरा रखा है, जिस शख्सियत ने दो बार चुनाव लड़कर के विधानसभा का एक अलग तरह का अपना व्यक्तित्व स्थापित कर दिया, जो शख्सियत आजकल अपने मूंछों का ताव देकर के ये बात बहुत दावे से कहती है कि नागौर के अंदर मैं सिर्फ नागौर के साथ पूरे राजस्थान की राजनीति करने जा रहा हूं, और पीछे से अपन सब लोग ये कहते हैं कि आप आगे जाइए, लाडनू और नागौर को हम संभालते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी मेरी उम्मीद है कि राजस्थान के आने वाले समय के एक बड़े राजनेता के रूप में उभरने वाले भाई मुकेश जी भाकर से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। मुकेश जी भाकर, लाडनू विधायक। लोकसभा चुनाव 2024 के आज इस नागौर सांसद प्रत्याशी के तौर पर बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल की इस नामांकन सभा में मंच पर विराजमान नागौर से विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरेंद्र मिर्धा जी, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और मकराना से विधायक जाकिर हुसैन जी, परबतसर से विधायक भाई रामनिवास गावड़िया जी, जायल के पूर्व
विधायक मंजू मेघवाल जी, डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी जी, बिंदु चौधरी जी, रामचंद्र जारोड़ा जी, सलावत खां जी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बिरदाराम जी, पूर्व विधायक जसाराम जी चौधरी साहब, नारायण जी बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने विराजमान नागौर जिले की प्रत्येक विधानसभा से पधारे समस्त बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों, साथियों आज मौका है जब 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव होंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के संयुक्त गठबंधन के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल हम सब के बीच आज नामांकन भरा है। साथियों ये खुशी का मौका इसलिए भी है कि इससे पहले जब हनुमान जी ने राजनीति शुरू की, छात्र राजनीति से वो निकले, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने, खींवसर से विधायक बने और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पुरानी नहीं बनती, क्योंकि जब विधायक बने फिर पार्टी छोड़नी पड़ी, पिछली बार गठबंधन हुआ फिर पार्टी छोड़नी पड़ी, तो एक लंबे समय से तकरार, और वो तकरार किस बात का है, वो तकरार अभी मनीष जी मिर्दा ने जैसे कहा वो विचारधारा का तकरार है, क्योंकि जो पार्टी सामंती सोच रखकर इस राजस्थान में राज करना चाहती है उससे भिड़ने की मादा किसान कौम ही रख सकती है, इसलिए इनकी भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनी। आज पिछला चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ, सांसद के तौर पर ये चुने गए, और चाहे विधानसभा रही हो चाहे संसद रही हो, जब भी किसान और जवान की बात आई इन्होंने अपने पद को, अपने आगे के भविष्य को ना देख कर पहले उस मुद्दे को आगे रखा, और जब 750 किसान बॉर्डर पर मर गए, शहीद हो गए, जिन लोगों की सुध लेने के लिए भारत की सरकार कभी जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिनको आतंकवादी, जिनको गुंडे, और जिनको यह कहा कि यह आंदोलन तो प्रायोजित है, उस समय उन किसानों के लिए बॉर्डर पर आकर उस गठबंधन को छोड़कर, जब आज यह स्थिति है, कल मैंने लाडनू में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए जैसे सेना की सीधी भर्ती नहीं निकलती कि भागो और जाके घुस जाओ, वो स्थिति बनी हुई है, कई लोग उनको खुद ने पट्टे डाल लिए, किसी नेता ने नहीं ज्वाइन कराई, तो ये स्थिति इस देश में है। और उस समय उस भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने की हिम्मत अगर कोई नेता रखता है तो मैं समझता हूं कि उस नेता के साथ हम सब लोगों को जी जान से खड़ा रहना चाहिए। आज जब गठबंधन की बात हुई, अभी कांग्रेस कार्यालय में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मीडिया के बंधुओं ने पूछा, पहले मुझसे पूछा फिर रामनिवास जी से पूछा कि ऐसी क्या बात हुई कि जो कांग्रेस पार्टी में दो गुटे, गहलोत गुट और पायलट गुट दोनों एक साथ आ गए। तब हमने ये कहा कि गुटबाजी, आपसी दूरियां, छोटे मोटे मतभेद वो बाद में है, हमें पहले इस नागौर का, इस राजस्थान का, इस भारत का, इस देश का स्वाभिमान बचाना है, तो हम सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और जब टिकट की घोषणा हुई तब लगता था कि हनुमान जी को 5 दिन तो कांग्रेस वाले नेता ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपस में छोटे मोटे मतभेद सबके रहे हैं, लेकिन जब ये दिल्ली से जयपुर पहुंचे, पार्टी के आपके कार्यकर्ता स्वागत करने पहुंचे, उससे पहले सारे नेता, जाकिर जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है उसके घर पे पहुंचकर हम सब ने स्वागत किया, और हमने कहा कि टिकट की घोषणा लेट हुई है, आप समय खराब ना करें, आगे की हमें रणनीति बनानी चाहिए। और कल रोड शो था, परसों घोषणा हुई, और रोड शो में पर्वतसर से लेकर नागौर तक पूरे जिले में जिस तरीके से किसान और जवानों में जो जोश था, और हमने कल भी मंचों से कहा ये हम सबके बीच ये प्रतिस्पर्धा है कि कौन सी विधानसभा इस चुनाव में हनुमान जी को सबसे ज्यादा वोट देगी, कौन सी विधानसभा बढ़त बनाकर हम लोगों के बीच भेजेगी।
वो नेता जिसने किसानों के साथ खड़ा रहा, अग्निवीर योजना आई उस समय सरकार के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किए, धरने दिए, छात्र संघ चुनाव बंद हुए तो सड़क पर आ गए, कोरोना काल में दो दो बार कोरोना हुआ लेकिन लोगों की सेवा नहीं छोड़ी। तो यह हमें समझना पड़ेगा, ये चुनाव 19 तारीख तक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव ये तय करेगा, क्योंकि इस राजस्थान और देश की राजनीति में नागौर जिला हमेशा एक अलग करवट खड़ा रहता है। और मैं पीछे एक दिन लिस्ट देख रहा था कि कब कब यहाँ कांग्रेस जीती, कब कब भारतीय जनता पार्टी जीती, तो पिछला चुनाव तो कोई पार्टी का नहीं था, कांग्रेस भी वही थी, भाजपा भी वही थी, हनुमान जी यहाँ से सांसद बने, उसके अलावा सिर्फ सीआर साहब, और उस समय भी क्योंकि हनुमान जी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के वोट बंटे इसलिए सीआर साहब और एक बार भानु जी दो सांसद पहले इससे पहले रहे हैं। तो ये तो गढ़ है कांग्रेस और अब आरएलपी दोनों एक साथ हो गई, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जीत हनुमान जी की यहाँ होने वाली है। एक बार पुणे में आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, मेरे से बाद भी हनुमान जी को बोलना है, जाकिर साहब को बोलना है, हरेंद्र मिर्धा जी को बोलना है, मैं एक बार आप सबको ये धन्यवाद देता हूँ। और एक जिम्मेदारी हम लोगों को लेकर जानी पड़ेगी कि 19 तारीख तक हम लोगों को पूरी जान पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को संभालना है, हमें वोट जब तक हम लाकर नहीं डाला देंगे तो उससे पहले हमें कहीं भी आश्वस्त होकर सोना नहीं है। 19 तारीख तक का ये चुनाव हम सबको, प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता को हनुमान जी बेनीवाल बनकर ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि गठबंधन हुआ है, इनको और भी जगह प्रचार में जाना पड़ेगा, और भी जो कैंडिडेट है उनके यहाँ प्रचार में जाना पड़ेगा। तो ये नागौर का चुनाव हम जो मंच पर बैठे नेता और आप सब लोगों के भरोसे आप लोगों का चुनाव है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि भाई मुकेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, नवासे पूर्व विधायक, पूर्व उप मुख्य सचेतक रहे और हनुमान जी बेनीवाल के साथ इस समय एक साथी के रूप में बनकर के चलने के लिए सबसे पहले तैयार होने वाले अपन सबके लोकप्रिय भाई महेंद्र जी चौधरी से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। महेंद्र जी चौधरी, पूर्व विधायक नावा। राम राम सा। नागौर जिला में भाई हनुमान बेनीवाल जी का नामांकन के अंदर आज ऐतिहासिक नामांकन रैली में मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भाई हनुमान बेनीवाल जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पूर्व सेक्रेटरी, राजस्थान की सरकार का पूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष और नागौर जिला का विधायक भाई हरेंद्र मिर्धा जी, पूर्व मंत्री मंजू मेघवाल जी, विधायक लाडनू भाई मुकेश भाकर जी, विधायक प्रोफेसर भाई रामनियास गावड़िया जी, डीटवाना पूर्व विधायक चेतन सिंह चौधरी जी, पूर्व जिला प्रमुख बिंदु चौधरी जी, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा जी, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल जी, पूर्व विधायक बिरदाराम चौधरी जी, पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, सलावत खान जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और सामने इकट्ठा वेड़ा नागौर जिला की 8 विधानसभा क्षेत्र 19 तारीख ने जो आप लोग जो भविष्य तय करो, जागरूक मतदाताओं, किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, वो इतिहास रचवा जा रही है नागौर राजस्थान की 25 लोकसभा क्षेत्र और जिसके अंदर नागौर को एक अपने आप में इतिहास न केवल आज बल्कि सन 77 के अंदर स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्धा बी टाइम अटू जीत गया। 77 के अंदर आप लोगों ने ध्यान है एकमात्र सीट 265 सीटों के अंदर सारी सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन बी टाइम नाथुराम जी मिर्धा इन नागौर को नाम रोशन करो। नाथुराम जी को मैं जिक्र आप लोगों के बीच में कर रहा हूं,
मैं नाथुराम जी को शिष्य रही हूं। मारी राजनीति नाथुराम जी के माध्यम शुरू होड़ी है, चाहे छात्र जीवन में हो भी के बाद के अंदर पे अंतिम आपका समय के अंदर मैंने अशोक गहलोत जी के साथ में जोड़ियो। नागौर जिला के अंदर आज नामांकन रैली के अंदर अगर मैं किसान की बात नहीं कर रहा तो गलत बात, नौजवान की बात नहीं कर रहा तो गलत बात, हनुमान बेनीवाल लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उम्मीदवार, इसके ऊपर आप लोगों ने दो तीन बात को मैं जिक्र करूं वो बहुत आवश्यक समझूं। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसका अध्यक्ष और बड़ा लीडर मीटिंग के अंदर तय करियो कि नागौर की सीट प्रदेश का नेताओं से बातचीत कर और नागौर का स्थानीय विधायकों और पूर्व विधायकों बातचीत कर तय करी कि हनुमान बेनीवाल जी ने डे उम्मीदवार का रूप में चुनाव लड़ानो है। घोषणा हुई, जयपुर आया, मैं बातचीत करी, कालों को जलसो निकलियो, परबसर मकराना नावा डीटवाना लाडनू जायल और नागौर आता था रात में 2 बजे मां के साथ में पूरा दौरा को प्रसाद नागौर और खीमसर दो विधानसभा क्षेत्र तो फिर भी छूट गई। लेकिन मैं आप लोगों ने निवेदन करना चाह रहा हूं वो चुनाव वो गठबंधन कांग्रेस पार्टी देश में करे एक एक सीट की कीमत बिकी बजाय वोट आप लोगों में पुराना लोग कई सालों वोट डालता आया हो और भी वोट डाल रहे हो लेकिन चूंकि परिस्थिति देश के अंदर बाहर बन रखी है देश का प्रधानमंत्री द्वारा और अमित शाह द्वारा लोकतंत्र की जगह हत्या करी जा रही है, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही है कि प्रकार हूं आप लोग देख सको, दिल्ली का मुख्यमंत्री हो चाहे झारखंड का मुख्यमंत्री हो कि प्रकार जेल के अंदर डाल दिया गया, कि प्रकार नेतन की प्रकार प्रताड़ित करा जा रहा है जिसकी स्थिति आप लोगों को छुपी हुई नहीं है। इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बननी आवश्यक भी बात न सोचता हुआ हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी गठबंधन हुए। अरे वो गठबंधन अगर राजस्थान की विधानसभा में हो चुके होते तो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ लोग गठबंधन नहीं करवा दियो जी की वजह आज आप नुकसान हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई राजस्थान के अंदर, आप लोग किसान लोग और किसान जो बेल जो खेती का रूप में काम ले हुए बेल पर अगर रोक लगाना को अगर कोई को काम है तो भारतीय जनता पार्टी का बजरंग दल द्वारा है जो आपने सब लोगों के साथ के अंदर की प्रकार की वारदात हुई है जो आप लोगों ने सबने चित्र पता। हनुमान बेनीवाल जी मैं छात्र जीवन की भी बात करूं, हनुमान बेनीवाल को जब नाम आवे एक विधायक और एमपी की अलग बात, विधायक को एक एरियो लिमिट एमपी को एक एरियो है, लेकिन राजस्थान की यूनिवर्सिटी जिसके अंदर पूरा देश का स्टूडेंट पढ़े अंग्रेजी बोलबाला भी पढ़े अंग्रेज काला भी धोड़ा भी हर प्रकार की लैंग्वेज वाला पढ़े और बहु वोट ले लू बहुत टेडो काम है। मैं भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ी हूं और मैं सोच लगाई बीते मैं आप लोगों ने बताना चाह रही हूं, मैं ई वास्ते आपने बताना चाह रही हूं कि हनुमान बेनीवाल जी और मैं दो लोग की प्रकार जिसकी शुरू करी छात्र राजनीति नागौर जिला। आज मैं गर्व है बात की राजस्थान में खटे जावा तो लोग कहे गए आदमी खटिया गए के नागौर जिला का है तो सबसे बड़ी खुशी मान लोग है कि नागौर जिला को नाम में मतलब बताया। मैं एलबीएस कॉलेज को प्रेसिडेंट हूं, मैं लो कॉलेज को प्रेसिडेंट हूं, ये राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर भी अध्यक्ष के ऊपर आज तक कोई जाट प्रेसिडेंट नहीं बन पायो। हमारी कोशिश ही कई यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट के ऊपर एक बार आप कामयाब हुआ, मैं चुनाव लड़ो एक बार नहीं कामयाब हो पायो, दूसरी बार लड़ो फिर कामयाब नहीं हो पायो। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भैरव सिंह जी राजस्थान का मुख्यमंत्री और एक किसान का बेटा जब मैं राजस्थान की यूनिवर्सिटी को छात्र संघ अध्यक्ष 1000 पदों जीतियो आप लोगों ने बताना चाह रहे हो नाम रोशन करो आप लोगों को नागौर को और बी टाइम घोषणा करी मंच के माध्यम के भैरव सिंह जी चाहे भले ही बीजेपी की सरकार हो लेकिन आज के बाद में अंदर ये राजस्थान की कोई भी कोना हो अगर एक भी छात्र एडमिशन ले बासी तो बिन 5% बोनस अंक मिलसी भाई दिल्ली बंतरा हो भाई अपन नेमचंद जी फौजदार हो सब लोग जब बिटन यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे साथ में ठीक है। बात कर हनुमान बेनीवाल जी भी लो कॉलेज का अध्यक्ष यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष
तो नागौर का अध्यक्ष और राजस्थान की यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनना। भाई मुकेश भाकर जी भी चुनाव लड़ियो, भाई रामनिहाल गावड़िया जी लॉ कॉलेज का अध्यक्ष रिया, लिंग दो कमेटी की चपेट में आ गया। एक बार हार बा के बाद में दूसरी बार लड़बा को अधिकार नहीं हो, लेकिन मैंने हनुमान जी जरूर और मैं रगड़ता रहता हारता रहता और जीत रहे बता दियो कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन चुका। रामचंद्र बता दू जरोड़ा जी बात मोटरसाइकिल वाली बात बात दूसरी रोड अलग है माकीर बा हनुमान जी वाली बात अलग बताओ बात मना है। जारोड़ा जी तो मगे एलबीएस में किसान हॉस्टल में रहता, मैं भी किसान हॉस्टल में अगर ये थी मोटरसाइकिल ही। अब कोई यार यूनिवर्सिटी में जबा की इच्छा आई तो क्यों यार इस जारोड़ा ने आज यूनिवर्सिटी नहीं जबा देनो है तो भी ये थी मोटरसाइकिल की सीट ने कार्ड लुखा देता तो रामचंद्र जी जारोड़ा तकी और रखकर चले जाता, तकी और रखकर चले जाता, लेकिन जाता जरूर। तो छात्र जीवन की बात है कई चीजें है, गठबंधन को असर 4 जून ने बता वाला था पूरा असर जो भी है, लेकिन मारा कहना है देखो भाई मारी विधानसभा नावा अबार क्षेत्र कह रहा कि भाई टक्कर होवे मारी विधानसभा क्षेत्र बीजेपी को बढ़ रही है जिसके अंदर नावा और कुचामन दो सीटी भी रही है। वो तो मैं किया जिया 2 बार एमएलए बन गयो बटे सन 77 बचन नाथुराम जी की कांग्रेस सीट जीती ने बिटे भी सब सीटों पर कांग्रेस जीती बिटे भी नावा बीजेपी जीती। ज्योति मिर्धा जी ने अशोक गहलोत जी मन बताई कि भाई कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बताओ, पूछ लीजिए ज्योति जी। मैं गयो आगे घरा सिरसी रोड के ऊपर, मैं क्या कांग्रेस पार्टी की इच्छा है अशोक गहलोत जी की इच्छा है कहूं कोई नाथुराम जी का परिवार के अंदर कांग्रेस चुनाव लड़े, मैं तैयार करिया। मैं रात दिन मांगे साथ लग गया, खुद को जितनी उम्मीदवार जितनी मेहनत नहीं करी तोड़ उम्मीद मेहनत करी और पहली बार नवम बीटे में 8,000 की लीड कांग्रेस पार्टी ने जीतकर बन लोकसभा के अंदर पहुंचाया। लेकिन आज मैं पार्टी छोड़ चले गया। अरे जगह नाथुराम जी सत्यानाशी फूल कहता बीजेपी ने आप सब लोग ने नाथुराम जी धमकी पर चले गया, जनता दल में चले गया, कांग्रेस में चले गया और पार्टी बना ली, लेकिन बीजेपी में कदम नहीं गया। वास्ते हमारा आपने सबने इतो निवेदन करना है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी स्थिति है राजस्थान की। कांग्रेस सरकार पिछला 5 साल में जगह ऐतिहासिक काम कराया, भाई हनुमान बेनीवाल जी भी खीमसर के अंदर खूब काम कराया, खूब सड़क लिया, खूब कॉलेज खुलवाई, और मुकेश जी हो चाहे मंजू जी हो चाहे रामनिहाल जी जाकिर भाई चेतन जी मैं, अरे मैं तो जिलो ही बनवा दी हो नहीं हो मगर ड्राड होगी दुनिया के मान के भाई काय करे तो डी टोड़ा कुचामन मिलार बना लियो मैं पद में मारो और कुचामन नारो बना लियो, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाया। 10-10 कॉलेज खुला दी, पानी की स्कीम ला दी, कोई बात नहीं। लेकिन 3-4 महीना का ही बीजेपी का कार्यकाल के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हाहाकार मचेड़ो है, चोरियां हो रही है, अपहरण हो रहा है, लोगों की खाना मजदूर जगह डूंगर के ऊपर छोटो पेट भरता, बाकी हालत खराब हो रही है, कोई काम हो रही नहीं है, राज में कोई सुनवाई हो रही नहीं है, कोई मंत्री सीएम या जो भी चीज कोई के समझ में ही नहीं आ रही कि वो राजकुंड चला रही है, हालत कुल मिलाकर खराब है। भी बात वहां पर ठेठ बाद में बात करा, अब आज तो आप लोगों का सबका निवेदन है, बहुत अच्छा माहौल है। मैं भी कोशिश करा नावा के अंदर, बहुत अच्छा प्रयास करा हनुमान जी, मैं आपने ही बात को पूरा विश्वास दिला रही हूं, नावा के अंदर खुद का चुनाव में जितनी मेहनत नहीं करी भी ज्यादा मेहनत कर और आपने बढ़त दिलावा चाहे कितना मोटा की बढ़त दिलावा आप लोगों ने कहना चाह रही हूं। बैठे नौजवान नावा का कहीं भाई हेलो बैठे नुंदाराम जी पुराना सरपंच बैठे मगे बीरमा राम जी डूकिया गुलाब जी मुआल रेबे बैठे बैठे सारा और भी कार्यकर्ता लारे भी कई कार्यकर्ता सब जगह बैठे हैं, सब तैयार है, पूरी मेहनत करा और 8ों विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब आ लीड की बात नारायण जी बता रहा तो 1 लाख की जावे 2 लाख की जावे 3 लाख की जावे 4 लाख की जावे। अरे इन एक बार सागेड़ी से लीड दे दो नागौर के अंदर ताकि 4 जून रिजल्ट आवे और नागौर को नाम हिंदुस्तान के अंदर एक बार फेंक सकते हैं और काम आप लोगों ने करना है। अरे जब कांग्रेस को हाथ और आरएलपी को बोतल को निशान दोनों का वोट 80% वोट हुए बीजेपी के तो 70% वोट बचे है, वास्ते मारो आप लोगों ने सबने कहना है पूरी मेहनत करनी है पूरा ध्यान देना है। अब हनुमान जी तो कोई नेता है बड़ा नेता है बड़ा नेता अब अनजानो पड़सी राजस्थान में और सीटों पर भी क्योंकि खाली आपका अटको उम्मीदवार था गठबंधन थोड़ी करी एक पार्टी एक कांग्रेस का जगह हाथ का निशान पर जगह चुनाव लड़ रहा है बाकी 23 सीटों पर बटे भी प्रचार करवा जैसी
पार्टी अन कोई बटे हरियाणा में और यूपी में और बिहार में बुला ली और कोई हेलीकॉप्टर आन देसी तो बटे ही जानू पड़सी अन तो जानू सब जगह पड़सी लेकिन अपन संभालनो है अपन कामयाब करनो है। हनुमान बेनीवाल एक उम्मीदवार है, हर आदमी हनुमान बेनीवाल बनना है और कड़ी मेहनत कर और 19 तारीख ने भारी मतदान करना है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार के पक्ष में ताकि 4 जून ने जब रिजल्ट आवे तो हर कार्यकर्ता को नाम हिंदुस्तान का नक्शा के अंदर नागौर 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 होवे। हमारी अपील आप लोगों ने करनी है। बहुत सुबह हूं बैठा और बात करा बिल्कुल आप लोगों ने सबने धन्यवाद देना चाह रहे हूं। अब भाई कई लोग कहता हनुमान बेनीवाल जी काई काई बोल जाए काई बोलिया भाई काल सुन लियो काल अगर परबसर में सुन लियो मकरणम सुन लियो नवम सुन लियो डीडवाणा में और लाडनू में जाहिल में कि बोलिया कि गलत कोई तान बोलिया कि बता दो तो हमको कोई अब कह दिया खुद कह दिए बात ने आपकी बात ने जकी बार आपके समुद्र में कर सी अट्ठे भी देख लीजिए आप। अब जकी कोई बात दूसरी पार्टी वाला जगह लोग जगह मंचा के ऊपर बोल जाए है अब कोई बात सुने है जो झाड़ आवे में झाड़ ना थामो थोड़ी कोई जरूरत नहीं है बार और झाड़ खाबा के टाइम नहीं है संयम राखनो पड़ी और संयम राखो प्रचार करो हाथ जोड़ो लोगों को अपील करो लोगों को मानस लोगों की जनता की भावना है ये नागौर के अंदर बहुत अच्छी भावना है। अब बड़ा लीडर की मीटिंग हुई अभी जब क्षेत्र में जावा और भी आज कई और लोगों ने बुलावा की इच्छा ही लेकिन सब जगह नामांकन को आज आखिरी दिन है ये वास्ते सब आप आपका और भी पार्लियामेंट सीट पर गेड़ा है। पुणे में एक बार मैं हनुमान बेनीवाल जी को बहुत आभार बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रही हूँ और आप सब लोगों ने आई निवेदन कर रही हूँ कि भारी मतदान कर बोतल का निशान पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ने भारी बताऊं कामयाब कर और पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों ने भेजनी है। धन्यवाद जय हिंद राम राम साहब। थैंक यू। मैं चाहूंगा भाई महेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा जिला कांग्रेस कमेटी नागौर के जिलाध्यक्ष मकराना से विधायक जाकिर हुसैन जी से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। जाकिर हुसैन जी राम राम सर अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नागौर नामांकन रैली के विशाल महासभा के मुख्य अतिथि नागौर के हम सब के लाडले संयुक्त प्रत्याशी सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब मंच पे बैठे हुए नागौर के विधायक पूर्व मंत्री और हमारी कांग्रेस पार्टी के गार्जियन सम्मानीय हरेंद्र जी मिर्जा जी मुकेश जी बाकर साहब जो अभी जोशीला भाषण दिया लाडलू विधायक रामनिया जी गावड़िया जो युवा नेता के रूप में भाषण दिया परवसर विधायक अभी हाल ही के अंदर जोशीला भाषण देके समापन किया पूर्व विधायक नावा महेंद्र जी चौधरी साहब उप मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार पूर्व चेतन जी डूटी साहब डिडवाणा पूर्व विधायक मंजू जी मेघवाल जी पूर्व विधायक जायद रामचंद्र जावड़ा पूर्व विधायक मेड़ता बिंदु जी चौधरी पूर्व जिला प्रमुख नागौर सलावत खा जी पूर्व विधायक बेनीवाल जी इंदिरा जी पूर्व विधायक मेड़ता और सभी सम्मानित मंच कांग्रेस व आरएलपी क्योंकि हनुमान जी मैं कांग्रेस का नाम जानू आरएलपी का नाम तड़ गया तो मुसीबत रही सम्मानित मंच नया का गठबंधन है वो हाथ बोतल पकड़ ली हुए वो गठबंधन इशू है हाथ में कांग्रेस का हाथ में बोतल आ गई है। मैं धन्यवाद दूं सबसे पहली कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने नागौर के नेताओं के कार्यकर्ताओं की गांव गाड़ी की आवाज सुनी
और कांग्रेस आरएलपी का गठबंधन करके एक मैसेज दिया कि नागौर के अंदर अगर कोई नेता की मांग है वो हनुमान बेनीवाल जी है और ये गठबंधन हम सबका करवा के मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे रंधावा साहब परवारी और राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही, मोहन प्रकाश जी, गोविंद सिंह जी डोटासा साहब, सचिन पायलट साहब, इन सब का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने नागौर का मान सम्मान बढ़ाया और हनुमान बेनीवाल साहब को गठबंधन सीट देके नागौर को तो फायदा होगा तो होगा ही और राजस्थान के अंदर कम से कम 10-12 सीटों का इसमें इजाफा मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं और कल यहां पे पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी आए थे बीजेपी का नॉमिनेशन फार्म भरने के लिए। पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री आने के बाद में जो आप कार्यकर्ता हर विधानसभा से अपने जेब से तेल के पैसे भरवा के और 5 घंटे से यहाँ बैठे हो, पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री आने से आधी भीड़ नहीं है, आज वो भीड़ आप लोगों ने दर्शाई है। ये जब से ये गठबंधन का ऐलान हुआ भाई मुकेश जी ने कहा गठबंधन होते ही हनुमान जी जयपुर आए और हम सब विधायक पूर्व विधायक जयपुर में बैठ के रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत कल हनुमान जी बेनीवाल की जब पे एंट्री थी नागौर के अंदर परवसर से स्टार्ट होके और 6 विधानसभा रात को 12 बज गए ऐसा लग रहा था सड़कों पे सैलाब आ गया। हर जगह हजार हजार आदमी खड़े हैं, 500-500 गाड़ियों का रेला चल रहा है और रातों रात सट्टा बाजार का भाव चेंज हो गया। इतने टाइम तक यह था कि कांग्रेस बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्जा के सामने कोई भी आ जाओ सट्टा बाजार गर्म था। जब हनुमान बेनीवाल जी हम सब लोग सभी 8 के 8 विधानसभा के प्रत्याशी जब हनुमान जी बेनीवाल जी का स्टेरिंग रामनिया जी गावड़े ने पकड़ा और हम सब पीछे बैठ के रेंद्र जी, चेतन जी, महेंद्र जी हनुमान जी को आगे बिठा के हम सब घूम रहे थे, जुआ बाजार फेल हो गया। और ये अब ये कंपटीशन चलेगा कौन विधानसभा में सबसे ज्यादा लीड दिलाएगा। तो हनुमान जी मैं तो ये कहना चाहता हूं पिछली बार मैं चुनाव हारा हुआ था मात्र 1500 वोटों से, लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योति मिर्जा को 6-7 हजार वोटों से लीड दिलाई थी, मात्र मकरणा से उसको लीड हुई थी। और ये मंच के इस माध्यम से कहना चाहता हूं मकरणा के जनता के विश्वास पे भाई ने मायरो 17,000 को खाली मकड़ा मकड़ा भर देवा। जब जब खड़ी हुई है मकरणा से लीड मिली है ज्योति मिर्जा को, लेकिन जब पार्टी बदल के आप चले गए मैं देख रहा था रिछपाल जी, लालचंद जी, कटारिया जी बीजेपी की ज्वाइन कर रहे थे, जो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे जो माइक पकड़ के बोल रहे थे, उपलब्धियां गिना रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि आज हमारे बीच के अंदर लालचंद जी कटारिया जो केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, को बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे था को बाप थे तो कुमड़िया मंत्री एमएलए कांग्रेस बनेंगे नहीं, उपलब्धि कांग्रेस ही गिनाओ। रिछपाल जी मिर्जा 4 बार विधायक रहे, विजयपाल जी 1 बार विधायक रहे, आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे तो थे तो कुल बने कांग्रेस ही बनाई है नहीं। ज्योति मिर्जा सांसद रही तो बीजेपी वालों ने कभी बनाया नहीं और उपलब्धि कांग्रेस की बता रहे हैं। कटे गए और लालचंद जी कटारिया जी को टिकट ना तो एमएलए में दिया ना एमपी में दिया, बीजेपी ज्वाइन करा ढोलीगोड़ो बना दिया और खूबसूरत धक्को है बीजेपी को, ईडी सीबीआई को प्रेशर देवे। मैंने जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोडासा जी ने पोस्ट किया कि जिस सर्वनाशी को फूल को नाथुराम जिस फूल को सर्वनाशी का फूल नाथुराम जी ने बताया आज वो परिवार बीजेपी में जा रहा बहुत निंदनीय है,
तो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे आज भी नाथूराम मिर्जा जी का फोटो आपके साथ लगता था, बहुत अच्छा लगता था। आज परिवार वालों ने नाथूराम जी का फोटो फूल के साथ लगा के किसान परिवार का अपमान किया है, इसका बदला लेना है। नाथूराम मिर्जा जी को शांति नहीं मिलेगी, उनका बदला लेना है। मैंने अपने फेसबुक में पोस्ट लगाई, जो फूल नाथूराम जी बाबा सर्वनाशी का फूल बताते आए, आज वो परिवार बीजेपी के अंदर नाथूराम जी की फोटो लगा रही है, बहुत गलत है। ज्योति मिर्जा का रिश्पाल जी के हिसाब से पोस्ट की, ज्योति मिर्जा को गुरु को राजेंद्र किडोली मेरे को टेलीफोन पे धमकी देता है, अरे बेटी का बाप हाल से एमएलए एमपी तो मने ही कोनी जी, पहले अल्पसंख्यक एमएलए ने एक धमकी देवे, हनुमान जी बेनीवाल ने गोविंद जी डोडासरा ने निंदा व्यक्त की और सभी ने कहा धरना प्रदर्शन करेंगे, उन सबके दबाव से सारी सारी प्रशासन मकराना में आके माफी मांगी, उसको अरेस्ट करके, हालांकि उसके अंदर नियम विरोध उनको छोड़ दिया था, लेकिन आज लोगों की बदमाशी देखो, एक जीतेड़ा एमएलए अल्पसंख्यक एमएलए ने यहाँ कुल्ली धमकी देो ना कुछ आदमी, और वो ज्योति मिर्जा के स्टेरिंग पर बैठे, तो ये लोग काई करला काई नहीं करला। इस वास्ते बीजेपी सरकार हमेशा किसान विरोधी रही है, पूर्व की सरकार अशोक गहलोत की सरकार ने इतना विकास नागौर के अंदर कराया, दो दो जिले खुलवा दिए, कॉलेज खुलवा दी, हॉस्पिटलें खुलवा दिए, जो जो ये विधायक बैठे हैं, मैं हरा हुआ था प्रत्याशी, मेरे को भी मकराना में जो जो अशोक गहलोत साहब से मांगा सारा सारा दिया, लेकिन लोग ठगी में आ गया कि मागी फूट फड़ा गाल दी और अब बीजेपी सरकार बन गई। सरकार बनते पर्ची सरकार बनने के बाद में करणपुर का उपचुनाव हुआ, इन्होंने एक संविधान की धजिया उड़ाई और करणपुर के अंदर टीटी को उन्होंने शपथ दिला दी, और शपथ दिला के बोले ये वहां का मंत्री है, आप इसको जीता, और जनता ने करणपुर की जनता ने उसको 12-15 हजार वोटों से पराजित किया, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। ये काली जातिवाद पे राजनीति कर सकते हैं, ये काली एक राजपूत को जाट से लड़ाएंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, ये जात मीणा को गुजर से लड़ा के राजनीति कर सकते हैं, इनका विकास का नाम का कोई नाम नहीं है। आप देखिए पिछली बार जब 2000 का नोट बंद हुआ था तो बंद इसलिए हुआ था, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, सभी पार्टियों का पैसा जरा का जरा रह गया, और इन लोगों ने 2500 का नोट बंद किया और 2000 का नोट चालू किया, इनसे 2000 का नोट तो 2 साल नहीं चला, क्या देश चला लेंगे? ये मोदी जी आए पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर, ये कहते हैं मोदी जी की अमित शाह की यहाँ लहर चल रही है, हिंदुस्तान में नागौर में लहर नहीं है। मोदी जी क्यूसर आए, मोदी जी नागौर आए, क्यूसर से हमारा भाई हनुमान बेनीवाल जीता और नागौर से हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हरिंदर मिर्जा साहब जीता, कहाँ गए मोदी जी? अमित शाह मेरे मकरणा में आया, अमित शाह परमेश्वर के अंदर आया, अमित शाह यहाँ पे नवा आया, नवा किसी कारणवश महेंद्र चौधरी ने जो विकास किया ना राजस्थान में, सेकंड विकास है तो नवा का, लेकिन लोग बाग बिखड़ावे में आ गए, लेकिन मकरणा के अंदर अमित शाह आया और परमेश्वर में आया, कांग्रेस जीती। ये योगी जो मध्य यूपी का मुख्यमंत्री है, ये ढीढोड़ा आया, लेकिन बीजेपी 3 नंबर में गई, यूनुस का वहां जीता, तो कहा यहाँ नागौर के अंदर किसानों का ये जिला है, या हनुमान बेनीवाल या हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व किसान की भावना रखने वाले उनके पीछे वोट देते हैं, और सभी ने एकजुट होकर आपके थान लिए कि यहाँ पे कोई मोदी का अमित शाह का बीजेपी का नहीं चला। एक बात बताओ, एक मुख्यमंत्री आयो भीड़ आदि नहीं कर सकिया, जबकि वो लोगों ने हर विधानसभा के अंदर पैसे भेजे गाड़ियों के लिए, साधन सुविधा के लिए, और मैं कसम खा के कहता हूँ हनुमान बेनीवाल के मतलब ये आए नामा करके एक भी लोगों को तेल का पैसा नहीं दिया, इन्होंने अपनी आत्मा से ये लोग आए। और हनुमान जी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये कार्यकर्ता का सम्मेलन है और ये हार जीत का फैसला यही करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी जीत 2.5-3 लाख से ज्यादा होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और हम सब कांग्रेसी सारे के सारे
नेता एमएलए एक्स एमएलए सब के सब हमारा चुनाव समझ के चुनाव को लड़ेंगे। हम सब 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक बार जाकिर जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके आप उनका आभार व्यक्त करें। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, नागौर से विधायक अपन सबके आदरणीय हरेंद्र जी मिर्दा से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना मार्गदर्शन इस मंच के माध्यम से हमारा करें कि हमें कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे फील्ड में काम करना है, कैसे हम मिलकर के चुनाव लड़ें और जीतें। हरेंद्र जी मिर्दा। राम राम सर। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार धन्यवाल जी और मेरे मंच पे बैठे हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मकराना के विधायक जाकिर जी, परबेसर के विधायक रामनिवास जी, लाडनू के विधायक मुकेश जी, मंजू चौधरी जी और सब मेरे मंत्रीगण, सम्मानी मंच और साथियों, मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपको सारी बात बता दी और 6-7 घंटे से आप यहाँ बैठे हो। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, इतनी भारी संख्या में इतने दूर से आए हुए इतने देर से आप बैठे हैं, ये बात का प्रतीक है कि आप लोगों ने मानस बना लिया कि हनुमान बेनीवाल को बहुत शानदार वोटों से नागौर से जिता के यहाँ से भेजना है। बेनीवाल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर गठबंधन किया है और बेनीवाल जी की बोतल हाथ में पकड़ ली और मजबूती से इस गठबंधन को आगे लेके अपन जाएंगे। अपन हनुमान जी को क्यों वोट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके और मेरे सामने और मंच में भी होगा और मेरे से पहले बोले वक्ता ने भी बोला होगा। बहुत सालों से आपने महसूस किया होगा कि जब तक जनता भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब राज बन के मोदी जी बने, उसके बाद गांव के अंदर ना तो कोई विकास हुआ है, ना गांव के अंदर कोई तरह की स्कीमें गई हैं। आप खुद बता दीजिए 14 के बाद नागौर जिले के अंदर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया हो तो आपके यहाँ कुछ विकास दिखता है क्या? केंद्र सरकार का आपको 10 साल में कुछ भी नहीं मिलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी कृषि मंत्री 10 साल के अंदर भारत सरकार का उसका नाम पता है क्या आपको? 70% लोग गांव में रहते हैं, खासकर वर्ग के लोग हैं। जब तक गांव में विकास नहीं होगा, खासकर विकास नहीं करेगा। आप और हम सब जानते हैं कि देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश विकास नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने जब कभी शासन किया आज़ादी के बाद में, जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि आज़ादी के वक्त गांव के देश की क्या हालत थी, कितनी गरीबी थी, ना सड़कें थी, ना स्कूल थे, ना हॉस्पिटल थे, ना पशु चिकित्सा थे। 60-70 सालों के अंदर गांव के अंदर कितना विकास हुआ है। नई पीढ़ी जो आई है, पुरानी पीढ़ी जो यहाँ बैठी है, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इस देश को 70 साल में कहां से कहां पहुंचा दिया। और इतिहास गवाह इस बात का कि 70 साल के अंदर दुनिया में किसी भी देश ने इतनी तरह की नहीं की जितनी भारत ने की और कांग्रेस शासन के अंदर की। और सुनने में मिलता है कि जैसे मोदी जी, शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषण देते हैं कि जो कुछ उस देश में हुआ 2014 के बाद ही हुआ है। पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, सपेरे यहाँ पर घूमते थे, सांपल यहाँ घूमते थे, कुछ हुआ ही नहीं इस देश के अंदर। तो ये जो कुछ हुआ 10 साल के अंदर पूरे देश में हो गया, सब झूठ का पुलंदा। झूठ बोल बोल के हालत ये हो गई कि गांव में और शहरों में पूरा का पूरा पूंजी, पूरा का पूरा पैसा जो खर्च हो रहा है शहरों में हो रहा है, अमीर लोगों के लिए हो रहा है, गांव के लिए गरीब के लिए इस देश में पिछले 10 साल से ना तो कोई तरक्की हुई है, ना आगे तरीके का अपन को कोई सपना देखना चाहिए। तो मैं यूँ कह रहा था कि अपन हनुमान जी को इसलिए वोट दे रहे हैं कि जिस सरकार के अंदर कृषि मंत्री नहीं हो, कृषि मंत्री हो तो वो गांव का नहीं हो, और जो वहाँ पर विधानसभा में या सरकार में या पार्लियामेंट में गांव वालों की बात नहीं कर सके, ऐसा व्यक्ति नहीं हो, इसकी अभाव को भरने के लिए अपन सब लोग यहाँ से मिलके हनुमान जी को जिता के वहाँ भेजेंगे। तो गांव की बात होगी, गरीब की बात होगी, और अपने दुख सुख की बात अगर करने वाला कोई नेता के रूप में उभरेगा तो हनुमान बेनीवाल जी होंगे। कांग्रेस नागौर जिला
राजस्थान में नहीं पर पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध जिला है। राजनीतिक हवा कभी कभी राजस्थान में नागौर से बनती है और जो नागौर की जनता तय कर लेती है वही हवा पूरे नागौर में बनती है। और ये हवा मुझे बता रही है ये 25 की 25 सीटें जो सपने भारत जनता पार्टी देख रही है ये पूरा होने वाला नहीं है। नागौर जिले के अंदर आपने मानस बना लिया, कांग्रेस की सीटें आएंगी और कम से कम आधी सीटें आप मान के चले राजस्थान के अंदर कांग्रेस की आएंगी और भारी बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेंगे और एक बार फिर ये सिद्ध कर देंगे जिस करवट नागौर करवट लेता है तो उस हिसाब से नागौर की राजनीति पूरे राजस्थान को प्रभावी रहती है और इसका असर दिल्ली में फर्क पड़ता है। दोस्तों मेरे से बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत कुछ आपको बोल दिया, मैं तो आप सबसे वाकिफ हूँ। पिछले 2-3 महीने से लगातार गांव-गांव उड़ानी घूम रहा हूँ, सिर्फ इसलिए जाया हूँ कि आप लोगों का मेरा दिल से बहुत मैं कृतज्ञ हूँ, बहुत एहसान मानता हूँ कि बहुत भारी मोहम्मद वोटों से आपने मुझे यहाँ से जिता के भेजा और आपने मेरी बात सुनी और मैं आप लोगों ने जिता के भेजा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, कई तरह की बातें आएंगी, कई तरह की अफवाहें उठेंगी, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ किसी की बात पर भरोसा मत करना। तन मन से अपन को इस गठबंधन को वोट देना है, तन मन से कांग्रेस और RLD के गठबंधन को मजबूत करना है, हनुमान बेनीवाल जी को यहाँ से जिताना है और हम लोग सब मिलकर अगले 5 साल तक कोई काम की कमी आने नहीं देंगे, आपकी सेवाओं में कमी आने देंगे, दुख सुख में आपके बीच में रहेंगे, जो भी कमियाँ रह गई हैं उस कमी को पूरा करेंगे। राज हो नहीं हो पर आपके हक की लड़ाई लगातार पहले भी लड़ते हैं आगे भी लड़ते रहेंगे। इसी भावनाओं के साथ आप लोग आए इकट्ठे हुए हमारी बात सुनी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका आभार व्यक्त करें। और अब अभी आप अपन सब लोगों ने देखा हनुमान जी बेनीवाल ने सारे विधायक और पूर्व विधायकों के और बाकी सारे पदाधिकारी गणों के सापा पहना करके सोल ओढ़ा करके उनका स्वागत और मान सम्मान किया। अब कांग्रेस कमेटी नागौर की तरफ से कांग्रेस कमेटी नागौर के मुखिया जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी हनुमान जी बेनीवाल को भारतीय संस्कृति की आन बान और शान का प्रतीक सापा ओढ़ा करके उनका स्वागत और मान सम्मान करेंगे। मैं चाहूंगा कि अपन सब भी अपनी तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपन भी अपनी तरफ से स्वागत और सम्मान करें। यह स्वागत और सम्मान हनुमान जी बेनीवाल का पूरे मंच की तरफ से हो रहा है, यह स्वागत और सम्मान हनुमान जी बेनीवाल का इंडिया गठबंधन की तरफ से हो रहा है, यह स्वागत और सम्मान नागौर की आवाम और नागौर के जनता की तरफ से हो रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां अपन सब अपनी तरफ से बजाएं और इस स्वागत की रस्म में अपनी भूमिका भी अदा करें। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हनुमान जी बेनीवाल के लिए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। और अब दीपाराम जी हुडा बरलोका की तरफ से हनुमान जी बेनीवाल को गजानन जी महाराज की मूर्ति भेंट करके उनका स्वागत और मान सम्मान किया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी शुभ काम शुरू करे और वहां गणेश जी आराध्य खुद विराजमान हो तो अपन सबके लिए यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। दीपाराम जी हुड्डा की तरफ से पूरी टीम की तरफ से हनुमान जी बेनीवाल को गजानन जी महाराज की मूर्ति भेंट करके उनका स्वागत सम्मान करते हुए। ब्लॉक अध्यक्ष मनोपराम जी, अनोपराम जी बिश्नोई का सापा पहना गएंगे। मनीष जी चौधरी, हीरालाल जी बाटी का सापा, ब्लॉक अध्यक्ष का सापा पहना करके स्वागत और सम्मान करेंगे। एमा राम जी वकील साहब का स्वागत करेंगे। हनुमान जी भाकर सापा पहना के स्वागत की अगली कड़ी में ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल जी भाटी का सापा पहना के स्वागत करेंगे। हनुमान जी भाकर
हमारे बीच नागौर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन नरेंद्र जी कछावा, मैं भी तो कोई को स्वागत कर सका था, कोई ठेका हम तो नरेंद्र जी कछावा चेयरमैन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे हनुमान जी बाकर। थैंक यू। स्वागत की रस्म यहीं कंप्लीट होती है, समाप्त होती है। पूरे मंच का अगर कोई रह गए हैं तो उनका इस मंच की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और लीजिए, जिस शख्सियत को सुनने के लिए अपन सुबह 11 बजे से यहां बैठे हैं, जिस शख्सियत को देखने के लिए अपन अपनी गाड़ियों से अपने साधनों से खेत में लावणी छोड़ करके सैकड़ों किलोमीटर से चल करके आए हैं, जिस शख्सियत की आवाज को एक बार पुनः भारत की लोकसभा में गुंजाने के लिए अपन सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस शख्सियत को कंधों को मजबूत करने के लिए, जिस शख्सियत को इस बात का एहसास करवाने के लिए हनुमान जी आप तो लड़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं, जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो कार्यकर्ताओं के तौर पर हमें याद कर लेना, जहां हनुमान बेनीवाल खड़ा रहेगा वहां हम कार्यकर्ताओं के तौर पर हम खड़े रहेंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ हनुमान बेनीवाल का स्वागत और मान सम्मान किया जाए। हनुमान बनवाल जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, गरीब पीड़ित शोषित वंचितों का नेता कैसा हो, दलितों किसानों का नेता कैसा है, हनुमान बनवाल जिंदाबाद। हनुमान बनवाल तुम संघर्ष करो, आज की इस नामांकन रैली के अंदर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से ममता सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के प्रयास से इस गठबंधन को अंतिम मोहर लगी। मैं धन्यवाद दूंगा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री नागौर के विधायक हरेंद्र मिर्धा जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मकरणा के विधायक मेरे भाई जाकिर गहसावत जी, नावा के पूर्व मंत्री विधायक यूनिवर्सिटी केंद्र हमसे आगे बड़े भाई महेंद्र चौधरी जी, डीडवाणा के पूर्व विधायक स्वर्गीय रूपाराम जी जो मेरे साथ थे। मुझे याद आता है 2014 का वो नामांकन रैली जो पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उनके पुत्र छोटे भाई चेतन डूडी जी विश्वविद्यालय से विधानसभा तक का सफर करने वाले जुझारू संघर्षशील नेता छोटे भाई मुकेश भाकर जी, परबतसर के विधायक विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले छोटे भाई रामनिवास गावड़िया जी, हमारी बहन पूर्व मंत्री और जाहिल का दो बार प्रतिनिधित्व करके जाहिल के अंदर विकास की गंगा बहाने वाली मंजू मेघवाल जी, पूर्व जिला प्रमुख बड़ी बहन बिंदु चौधरी जी, विश्वविद्यालय के अंदर हमसे बहुत आगे बड़े भाई के रूप में हमेशा भूमिका निभाने वाले
मेड़ता के पूर्व विधायक रामचंद्र जी धारोड़ा साहब जो सीनेटर है उस जमाने के अंदर, बब बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सलाउद खान जी, मकराना के पूर्व विधायक बिरदाराम चौधरी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेतागण, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे मेड़ता की पूर्व विधायक मजबूत लड़ाई लड़ने वाली बहन इंदिरा बावरी जी, मेड़ता से प्रत्याशी रहे चिमन वाल्मीकि जी, हमारे मुंडवा मेड़ता नागौर और तमाम इलाके से जितने भी प्रधान पूर्व प्रधान यहां आए हुए हैं की यूथ ब्रिगेड टीम, सीताराम जी नायक जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर धौलपुर भरतपुर के समाज के लिए हमेशा लड़ने वाले और विधानसभा में जिनके वोट मांगने में दोनों बार गया, भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया, चौधरी नेम सिंह जी फौजदार साहब, आरएलपी के राष्ट्रीय सचिव आगरा से नेम सिंह जी चौधरी साहब, रिदखंड जी जसाराम जी, सम्मानित मंच, मैं आप सबका पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इन तमाम नेताओं का जिन्होंने अलायंस के अंदर पूरा प्रयास किया और हजारों की तादाद के अंदर आप लोग जो यहां आए हैं। मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं आप थक नहीं जाओ, 12 11 बजे से आने शुरू हो गए, 5 बज रही है, लेकिन ये नागौर का जवान किसान थकने वाला रुकने वाला नहीं है और आज आपने संदेश दे दिया। कल नागौर में जिस तरह पर्वतसर से शुरुआत हुई थी और जो जलजला नागौर की धरती पे आया, कल जो तूफान नागौर के अंदर आया था कांग्रेस और आरएलपी के कार्यकर्ताओं का, और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जैसे ही गठबंधन पे मोहर लगी एक साथ सब लोग इकट्ठा हुए और सबने यही तय किया कि हमें मिलकर इस बार मोदी और अमित शाह को सबक सिखाना है और नागौर से उस मजबूत लड़ाके को वापस लोकसभा के अंदर भेजना है जिसने दिल्ली के अंदर किसान के सम्मान के लिए सत्ता को ठोकर मार दी, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंत्र पर बैठी थी, वो टकटकी लगा के देख रही थी कि कौन हमारा भाई हमें न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले आएगा। उस समय देश से अगर सबसे पहले उनको न्याय दिलाने जंतर मंत्र पर गया वो वीर तेजाजी का भक्त हनुमान बेनीवाल, उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने दिल्ली गया था। भाइयों, जब किसानों के तीनों काले कानून आए पिछली बार 5 साल पहले, इसी मैदान से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैंने पर्चा दाखिल किया था। उसके बाद तीनों किसान कृषि जो काले कानून आए, हमने बात करी देश के प्रधानमंत्री से, हम एनडीए के घटक दल हैं और आप एनडीए को अपना परिवार बताते हो, प्रधानमंत्री जी किसी से राय सलाह तो करते, और तो और जो हमारे कृषि राज्य मंत्री जो बाड़मेर से आते थे उनको तो इस बात का पता भी नहीं था कि किसान बिल भी आएंगे। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे कृषि राज्य मंत्री को नहीं दिखाया, जो कृषि मंत्री थे मध्य प्रदेश से आते थे वही प्रेस को संबोधित करते थे और वही सारी बात करते थे।
मैं नाम लेना भूल गया, मेरे छोटे भाई मनीष मिर्जा जी, जिनके लिए सबसे ज्यादा तालियां बजी थी ग्राउंड के अंदर, वो क्या थोड़े पीछे की पंक्ति के अंदर बैठे थे, आगे पंक्ति देखते देखते भूल गया मनीष जी को। बहुत अच्छी, आज मैंने इनका लंबे समय बाद भाषण सुना था, बहुत अच्छी बात, इन्होंने कही, बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, और निश्चित रूप से अगर ठीक काम करेंगे तो जनता इनको आगे बढ़ाएगी नागौर के अंदर, अगर काम अच्छा करेंगे। अभी मेरे हिसाब से हमारे साथ अगर सबके साथ रहेंगे तो अच्छी ट्रेनिंग हम इनको मिलकर दे देंगे, क्योंकि इनके पिताजी को भी लोकसभा के अंदर सब लोगों ने मिलकर कराया, तब परिस्थितियाँ अलग थी, और आज जो मंच पर बैठे आप देखिए, जिस कैंडिडेट के बारे में खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार लोग ये कह रहे थे कि उनको दो बार लोकसभा के अंदर हरा दिया, विधानसभा के अंदर ताजा चुनाव तो हरिंदर जी ने ज्योति मिर्जा को हराया, तो भूल रहे हो आप लोग कि खेउसर के चुनाव की जितनी चिंता आप लोग कर रहे थे, नागौर की भी उत्ती कर रहे थे कि बताओ नागौर में पहले राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में क्या रहा, तो दोनों चीज आपने पूरी करी थी। भाइयों, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा था, हमारे कृषि राज्य मंत्री को कभी प्रेस के सामने नहीं लाए, कभी नहीं बताया कि कृषि राज्य मंत्री कौन है, कहां का है, सिर्फ कृषि मंत्री आते थे और पीयूष गोयल, जिनको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो व्यक्ति किसान की बात करते थे, वही किसान नेताओं से बात करते थे। उस समय अकालियों ने मोदी का साथ छोड़ा और उत्तर भारत के अंदर देश की सबसे नई पार्टी, अगर मैं चाहता तो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकता था। मेरे सामने एक तरफ लाखों करोड़ों किसान थे जिन्होंने मुझे उस मंजिल मुकाम तक पहुंचाया, और दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की वो कुर्सी थी जिसने हजारों किसानों को शहादत देने पर मजबूर किया। भाइयों, मैंने किसी के कहने से एनडीए नहीं छोड़ा था, सोशल मीडिया पे बच्चे अपील करते थे कि भाई साहब मोदी की गोदी से बाहर आओ, मैं कोई गोदी में नहीं बैठा था, मैं तो एनडीए अलायंस का हिस्सा था, पार्टनर था, अलायंस पार्टनरशिप होती है, लेकिन आप की भावनाओं को देखते हुए हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को अलविदा का बाय बाय किया, और उन किसानों को साथ लेके ये राजस्थान का जो बॉर्डर था, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी ये हाईवे कभी जाम नहीं हुआ था, मैं हजारों लोगों को लेके गया और एक झटके के अंदर इस शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम कर दिया, और दोबारा जब लेके गया तो 50,000 से लेके 1,00,000 की संख्या थी, उसका अंदाज नहीं होगा कितने लोग थे, और 70 दिन तक खुद सड़क पर बैठा रहा। देश का अगर कोई सांसद सड़क पर लड़ाई लड़ रहा था उस ठंड के अंदर, वो नागौर का सांसद था, वो पंजाब में बात चली, हरियाणा में चली, उत्तर प्रदेश में चली, बिहार में चली, ये हनुमान बेनीवाल कौन है, इसकी नई पार्टी है, इसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, लोगों ने ये बात कही, लेकिन मैंने छोड़ दिया आपके लिए। फिर जब सेना को ठेके पे दिया, सबसे पहले विरोध किसी व्यक्ति ने अगर किया तो लोकसभा के अंदर उस अग्निपथ अग्निवीर योजना का विरोध किया, जोधपुर में 2,00,000 जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, दिल्ली की ओर आ रहे तैयार हो जाओ, पहले अग्निवीर की बात थी कि 4 साल के लिए जाएगा और 75% को वापस भेजेंगे और 25 को सेना के अंदर रखेंगे। जैसे ही नौजवानों की हुंकार की आवाज अमित शाह और प्रधानमंत्री के कानों में पड़ी, वो 25% वाला राइडर हटा के उसको 50% कर दिया कि आधों को तो रख लेंगे और आधों को वापस भेज देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे यहां से चुनाव जिता के भेजो, अग्निवीर अग्निपथ की जो योजना है उसे खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती ले लिया कराएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। भाइयों, एक व्यक्ति है लड़ाई लड़ रहा है जिसके सामने सत्ता के अंदर जाने के कई मौके आए, 2003 अगर वसुंधरा से झगड़ा नहीं करता, मैं भी
हाथ पैर जोड़ लेता तो मुंडवा से टिकट मिल जाता, मैं विधायक बनता और मंत्री बन जाता, अगली बार पाड़ा बदल लेता, दूसरी पार्टी से बन जाता, फिर वापिस आ जाता, फिर वापिस आ जाता। जो लोग भाग रहे हैं आज बीजेपी के अंदर, जो कैंडिडेट थे पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे थे, किस तरह भाग रहे हैं बताओ, भगदड़ मच गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये कहा, ये मेरी सीट है, मेरे पिताजी ने आज संघर्ष किया, छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी अगर नहीं आते तो मैं जीत भी जाता, लेकिन उनका मुकाबला भी 20 साल पहले किया था। सब लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। 2008 में जब मैं चुन के गया, ये सही बात है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीता था, खींवसर नई सीट बनी परिसीमन के अंदर, खींवसर के लोगों को जब यहाँ इकट्ठा किया तो सबने एक बात कही थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। सब कई लोगों की इच्छा ये भी थी कि पार्टी चुनाव लड़ो, उसमें हरिंदर जी नागौर आ गए थे और खींवसर से कोई दूसरे प्रत्याशी आए और मैं बीजेपी चुनाव लड़ा। आप सबने ये कहा था कि हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, हम हनुमान बेनीवाल को वोट दे रहे हैं और जिताएंगे, ये हनुमान को देख के दे रहे हैं, बीजेपी के कमल के फूल को वोट नहीं दे रहे। और जैसे मैं जीत के गया, मेरे लिए तो वो झगड़े तैयार थे, वापिस वो सुन तब नागौर में 9 बीजेपी और 1 निर्दलीय आप खींवसर की जनता ने जीता के मुझे भेजा था। और उसके बाद 13 से 18 का जो संघर्ष था आपके सामने, 21 कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, उपचुनाव में 3 जीतने के बाद 24 में कांग्रेस थी, हनुमान बेनीवाल एक था जो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ उस वसुंधरा से लड़ता था, जब भी वसुंधरा जी बोलने के लिए खड़ी होती तो एक बार तो मैं उसको बिठाता था, नहीं बोलने दूंगा, तो बाहर भी निकाल देते थे, सस्पेंड भी किया कई बार, बाहर ले गए, लेकिन मेरे हौसले और हिम्मत को कोई तोड़ नहीं पाया। 13 से 18 के दरमियान जब मैंने सोचा मैं विधायक बन गया, मैं मेरे भाइयों के लिए कैसे काम आ सकता हूं प्रदेश के, तो मैंने मांग करी कि किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और बेरोजगारी भत्ता और कानून का राज। इसको लेके 16 के अंदर जो हुकार रैली में नागौर के अंदर करी थी, हुकार रैली की गूंज मध्य प्रदेश के अंदर पड़ी, वहां के किसानों ने आंदोलन किया कर्ज माफी का और कई किसानों को साथ दी, वहां की बीजेपी की सरकार ने किसानों पर गोलियां चलाई थी। भाइयों देश में किसान कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा दी तो नागौर की धरती से, इस वीर तेजाजी महाराज की धरती से आपकी हुकार रैली से वो हवा मिली थी। बाड़मेर ऐसा सैलाब आया था कि संख्या का अंदाज नहीं कितने लोग थे, 7 लाख से ज्यादा लोग थे। बीकानेर सीकर हम पहुंचे, उससे पहले ही उस वक्त की वसुंधरा सरकार ने किसान की 5 हॉर्सपावर की बिजली माफ कर दी थी और स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए थे और 50,000 नौजवानों को नौकरी की घोषणा करी हाथों हाथ। यह आपका संघर्ष का परिणाम था, यह आपके भाई के संघर्ष का परिणाम था, जो चाह रहा था कि मैं आपके लिए काम आऊं, मैं उन किसान के बेटों के लिए काम आऊं, मैं मेरे भाइयों की सेवा करूं। और जब 18 का वक्त आ गया तो मेरे सामने एक ही विकल्प था कि मैं पार्टी बना के मैदान में आऊं। मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। मुझे याद है अरिंदर जी, उस समय जब हम वहां थे मानसरोवर के अंदर, तो मेरा जो सिंबल था वो 1 बजे मुझे अलॉट हुआ था रैली के दिन, 29 अक्टूबर 2018 1 बजे सिंबल आया बोतल का, और फिर आप सबने बोतल ले रही थी जो रैली के अंदर था कि बोतल हमारा चुनाव चिन्ह है। वो प्रदेश की पहली पार्टी बनी जो किसान के बेटे ने संघर्ष करके एक नया इतिहास रचा। तीसरे मोर्चे की बात करी, तीसरे मोर्चे की परिकल्पना राजस्थान के अंदर करी, 18 के अंदर 3 विधायक और बहुत सी जगह आपने ठीक स्थिति के अंदर हमारे को रखा। 18 से 23 के बीच जब 19 आया, ये सब लोग बैठे, गठबंधन की बात चली थी पहले भी, जानते सारी बातें, पार नहीं पड़ा, गठबंधन बीजेपी से हुआ, तोड़ के आपके बीच में आ गया। और अगर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का अलायंस 23 के विधानसभा चुनाव से पहले हो जाता तो जैसा महेंद्र जी ने बताया था कि हम 150 के पार जाते राजस्थान के अंदर।
क्योंकि नौजवानों के अंदर जोश था, बस उन्हें तरीका बताना था कि जोश को काम कैसे लाना। दोस्तों आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा है, लेकिन खाली जोश से काम नहीं चलता, जोश के साथ होश, संगठन, सिस्टम, बीजेपी का मुकाबला करना छोटी बात नहीं है। पूरे देश का सारा पैसा इन्होंने ले लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैं मेरा संघर्ष आपको बता रहा हूं कि मैंने संघर्ष आपके लिया, आज जो हालात देश के अंदर बने हम सब ने तय किया। अब आप ये बताएं कांग्रेस से अलायंस क्यों आवश्यक था? कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मन रखा देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि कांग्रेस देश के अंदर तमाम उन दलों से जो बीजेपी के खिलाफ है उनको साथ लेके इंडिया अलायंस करके और एनडीए का मुकाबला करेगी। ये गठबंधन कांग्रेस से नहीं किया, इंडिया जो बनाया कांग्रेस से नहीं बनाया, एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बना लिया था। आज भाजपा अंदर आ गए, दो सीट थी बीजेपी की 80 या 85 के अंदर उस समय जब बना, शायद दो एमपी इनके जीते थे। उसके बाद हर स्टेट में एक एक पार्टनर ढूंढते रहे, पार्टनर ढूंढा, उसको काम लिया, उसको भगाया और कब्जा कर लिया, इनका काम रहा था। आज भी चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है, ऐसी बीजेपी में थोड़ी चली गई। 1,00,000 करोड़ का गबन घोटाला इंडिया बुल्स की जो डायरेक्टर है उसमें, ये खुद बीजेपी की कैंडिडेट उसकी डायरेक्टर, 1,00,000 करोड़ का घोटाला था इंडिया बुल्स के अंदर। 2-3 दूसरे मामले भी थे जिनको लेके इनको भागना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और मोदी और अमित शाह ये चाह रहे थे कि हम हनुमान को टक्कर देंगे, उसने हमारा कहना नहीं माना, हनुमान को ठीक करेंगे, इसलिए हम ज्योति मिर्जा से ठीक कराएंगे इसको, इसलिए ज्योति मिर्जा को भारतीय जनता पार्टी के अंदर लेके गए। क्या करोगे तुम लोग हैं भाइयों? कोई अपने मन से नहीं गया। और मेरे लिए जैसे कल भाषण दे रहे थे कि हनुमान जी इधर हो जाते उधर हो जाते, कहां हो गया मैं तो मेरी पार्टी में तो हूं। अलायंस हुआ है और अलायंस हुआ है देश हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, दिल्ली के नेताओं की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, सेना की भर्तियां पूर्व की भांति सेना भर्ती हो, किसान का कर्जा माफ हो, सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर, टोल फ्री राजस्थान, टोल फ्री देश हो, इसका ऐलान हमने किया है। मैं महेंद्र जी कह रहे थे हनुमान जी को बाहर भी जाना पड़ेगा, सही बात है। अगर मैं यहीं घूमता रहा तो फिर मैं कांग्रेस के क्या काम आऊंगा बताओ मुझे? या हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर दो दो दिन या जो भी आप बताएंगे सारा हमारे जिला अध्यक्ष जी ये तय करेंगे, जाकिर साहब कि किस हिसाब से हमें तय करना है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब प्रचार चालू करना, हम बैठ के बात कर लेंगे। और बीच बीच में अगर मुझे जाना पड़ा तो दूसरी लोकसभा क्षेत्रों में जहां हमारे भाई इंडिया एयरलाइंस से चुनाव लड़ रहे हैं वहां उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए जाना पड़ेगा, तब मुझे पता है कि आप मुझे छूट भी दोगे। ये तो चुनाव है नागौर का, इस पर देश की नजरें। अगर इस चुनाव के अंदर भारी वोटों से आपने जीता के भेज दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नया इतिहास इस राजस्थान की धरती से लिखा जाएगा और नागौर फिर देश के किसानों का नेतृत्व करेगा, प्रदेश के किसानों का नेतृत्व करेगा। और मुझे पूरा भरोसा नागौर के जवानों पे, नागौर के किसानों पे, यहाँ के अल्पसंख्यक दलित भाइयों से कि जब भी आपको आवश्यकता पड़ी, जब भी सर्व समाज को आवश्यकता पड़ी, मैंने ये नहीं सोचा कि सामने कौन है, और जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा, गरीब को गणेश मान के सेवा करी और भ्रष्टाचार को मंजूर नहीं किया, इसलिए कई लोग मुझे छोड़ के चले गए। मैंने साफ साफ कह दिया था कि कमीशन खोरी
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में नहीं चलेगी, अपना आप भाग जाओ नहीं तो मैं निकालूंगा। तब भाग गए लोग अपना आप। तो भाइयों ये जो उसूल हमारे, अगर उसूल ही छोड़ देंगे तो फिर ये समय क्यों खराब किया 20-25 मंत्री तो तीन में बन जाते, फिर मंत्री का मुद्दा ही नहीं था। और हमने तो एक नंबर की लड़ाई की बात करी कि एक नंबर पे कब आए, लोग तो तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर की बात करते हैं। आप बताएं क्या हालात हो गए प्रदेश के अंदर, और उन नेताओं को आप बड़ा मानते हो, फिर आप तो नहीं मानते लेकिन ठगी करते रहे कई समय तक इस नागौर के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर। भाई मनीष ने सही बात आपको बताई थी, नाथुराम जी का असली उत्तराधिकारी तो ये लोग हैं। अभी सारी बातें आप जानोगे या मन से मेरा कहना उचित नहीं रहेगा, सारी बातें हर व्यक्ति जानता है। जो सीधे थे उनको पीछे धकेल दिया, तेज तरार थे वो आगे आ गए, आगे आके उनके नाम का दुरुपयोग करके किस तरह हम इस भोली भाली नागौर की जनता को करके और फिर आगे आए, ये काम इन्होंने किया था। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से, आपने पढ़ा होगा हर आदमी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम नहीं जानता, ये कंपनियों पे ईडी सीबीआई भेजते थे, इनकम टैक्स भेजते थे, और जो इनको पैसा दे देती थी उनको फिर ठीक कर दे। ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये भ्रष्टाचार का एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने निकाला था। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आई तो मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होता, मैं भी पार्टी चला रहा हूं, हमें तो किसी 100 रुपए के नहीं दिए। एक एमएलए साहब कहते 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, सीएम साहब जांच करो, सीएम साहब क्या जांच करा ले, सीएम साहब के तो पर्ची खुल गई भाग्य में, क्या जांच करा ले क्या नहीं कराए, लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे उनका खुद का ही पता नहीं कि मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पर्ची से कैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान के अंदर, आपको लगता है? मैंने एक बच्चे को कह दिया कि आप तो भजन लाल जी की तरह सीधे हो, बोले मुझे भजन लाल मत कहो मुझे शर्म आती है, बोले भजन लाल के नाम में आता, मैं भजन लाल नहीं मैं अलग हूं। किस किस तरह की बात, अटल बिहारी जी को श्रद्धांजलि देने की बात हो और श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी को दे देते, बात हो सत श्री अकाल और कहते हैं सत सत अकाल सत सत अकाल, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक जुमला है, खुद ही कहते हैं। अरे यार मैंने विधानसभा के अंदर कहा, मैंने कहा भजन लाल जी आपने कभी सोचा था क्या, आप तो खाली खाने का इंतजाम करते थे, भाई कितने लोग दिल्ली से आएंगे कौन सा खाना बनेगा भजन लाल जी तय करेंगे, और अचानक सीएम बना दिया, आप सोचो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी आदमी को अगर उठा के और कह देगा आप जिले का कलेक्टर हो, वो सोचे मैं करूं क्या, बार बार जाए सोचे मुझे क्या करना काम। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का, आप बताओ कि राजस्थान में भजन लाल जैसे सीएम बन गए लोग, ये सही बात है। कोटा के प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि भजन लाल जी उस समय सरपंच के लिए संघर्ष कर रहे थे, कोई पंचायत समिति मेंबर के लिए टिकट मांग रहा था, वो लोग टिकटें बांट रहे आज राजस्थान के अंदर, आप बताएं वो तय करेंगे। कल कोई एमएलए कह रहा था भजन लाल जी को मैं कहता हूं जांच करा ले, भजन लाल जी को मैं कहता हूं कि आप भजन लाल जी अपना ध्यान रखें क्योंकि आप ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहोगे, उसके बाद वहीं फिर सड़क पर डोलते नजर आओ, इस चीज का भी आप रख लें ध्यान, है ना। जांच कराना आपके बस की बात नहीं, और हमारी जांचें तो खूब लोगों ने कराई, वसुंधरा ने जांच कराई थी तो वसुंधरा का पता चला क्या, कहां गई वसुंधरा, कहां है, गई ना, तो यहां कई आए कई चले गए पता ही नहीं चला, मैं तो यही खड़ा हूं अभी, देखो लाखों की हजारों की तादाद के अंदर आप खड़े हो सारे सारे। जब भी आवश्यकता पड़ी प्रदेश के अंदर, अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जब छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मेरे पास बच्चा है महेंद्र जी, और तो कांग्रेस पार्टी में तो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो बच्चे मेरे पास आए कि साहब छात्र संघ के चुनाव चालू कराओ, कोई नई नीति शिक्षा नीति थी उसके उसमें। अब मेरे को यूनिवर्सिटी ले गए और ले जाकर मेरे घड़े के अंदर डाल दी कि आप घूमो साहब। एक महीने तक मैं प्रदेश में रैलियां करता रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था और मेरे छोटे भाई और अध्यक्ष बने, सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार हो, इनका हक और अधिकार नहीं मारा जाए। ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो एक महीना बिना फालतू का, और जो रैली करी मैंने जयपुर के अंदर छात्र संघ वाले, उसमें छात्र नहीं आए थे, वो आरएलपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, बरसात आ गई थी आपने देखा होगा,
कि छात्र चुनाव कुछ लोग कराना चाहते हो, ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए प्रयास किया क्योंकि मैं यहां से निकला हूं छात्र के माध्यम से। आज कोई दुख तकलीफ के अंदर होगा मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा, और मैं ये परवाह नहीं करता कि कहां से धमकी मिली, कौन है कौन नहीं है। जाकिर साहब को धमकी दी जिस ज्योति मिर्जा के ड्राइवर ने, इन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने इनको कहा, मैंने कहा जाकिर साहब कमाल कर रहा, हमें तो पता ही नहीं चला। मैंने डीजी को कहा कि धमकी देने वाले को आप ला रहे हो, फिर हम हमारे तरीके से बात करें, बोले हम ला रहे हैं, ला के पटक दिया उसको, 20 फट्टे लगाए, इनके पास पुलिस चली गई और इन्होंने कहा छोड़ो माफ करो। धमकी देने वालों में भी कान दम है, या देखा धमकी राजस्थान में कौन बकवास करते हैं, बकवास कोई कुछ कर लेता है। शाम को 8 बजे बाद कई लोग धमकियां देते हैं, सुबह वापस पैर पकड़ते हुए दिखते हैं। अरे धमकियों का दम नहीं जाकिर साहब, आप चिंता नहीं करें, इन सबको अपना देखा हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मजबूत अलायंस नागौर के अंदर हुआ है, ये लोग बौखला गए, बौखलाहट के अंदर कई तरह की बातें करेंगे, कई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, और जिस तरह की ओछी भाषा का कल प्रयोग किया गया है यहाँ पे, आप बताएं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 2018 के अंदर खुद के बेटे को एमएलए बनाने के लिए मेरे पैरों में हाथ डाल दिया था, मैंने कहा आपकी उम्र कितनी, ऐसे क्या कर रहे हो, आप भाई हो मेरे, करूंगा मदद, जो भी आ गया उसकी मदद की। हनुमान जी तो चाहे जहां खड़ा करते हैं, खड़ा करने के भी लेते हैं, उसका देते हैं, तो शर्म आने की बात है। ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई, मैं उनके परिवार से भी आग्रह करूंगा कि इनका इलाज कराएं, इनको भर्ती कराएं कहीं ले जाके, नहीं तो ये समाज की प्रतिष्ठा को ये दांव पे लगा रहे। मुझे दिल्ली में लोग कह रहे थे ये व्यक्ति जो गाली गलौज कर रहा है ये आपकी जाति का है क्या, मैंने कहा है तो हमारे समाज का, कैसे क्या गालियां देता, कोई इसका माइक नहीं पकड़ता क्या, मैंने कहा पता नहीं, वो समय भी आ सकता है, माइक भी पकड़ सकता है और दूसरा काम भी हो सकता है, आप जानते हो सारी बातें, लेकिन लोग चिंता करते होंगे क्या करें, आप छोड़ो जो भी मनोरंजन कर रहा है। आप बताएं घर में बहन बेटियां भी होती होगी, आधा आधा घंटा गाली गलौज करना और ये बात करना कि मेरी तो बातें अमेरिका में चल रही है, तो आप ये बताएं, इससे ज्यादा घिरावट नहीं होती। हरिंदर जी कितने बड़े नेता पुराने, ये सब लोगों ने मंच पे स्पीच दिए, जाड़ोर साहब बैठे, हम भी बोलते, मैं कह रहा हूँ घर के अंदर आदमी को गुस्सा भी आ जाता है, भाई भाई को कुछ कह देता है, बात हो जाती है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पे इस तरह गाली गलौज करके अपने समाज की प्रतिष्ठा को गिराना, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को गिराना, और बार बार स्वर्गीय नाथुराम जी का नाम लेना, अरे आप छोड़ो नाथुराम जी को उत्तराधिकारी, मनीष जी मेरे साथ बैठे मंच पर, क्यों नाम ले रहे हो आप, ये ना मनीष जी मिर्दा तो असली उत्तराधिकारी है, किस तरह की बौखलाहट के अंदर बातें कर रहे हो। समय को याद रखो, और आपका मकसद एक ही है, कल जैसे उनको मंच पर पता लगा कि 2,1500 गाड़ियों के साथ इंडिया गठबंधन का काफिला चालू हो गया पर्वत से, तो यहां भाषण देते थे बौखला गए, कितनी गाड़ियां, तो भाषण तो भूल गए और मेरी तरफ आ गए, हनुमान जी है शहर वह शहर, अब बताओ क्या किस तरह 1,000 करोड़ कमा लिया, 2,000 करोड़ कमा लिया, भजन लाल जांच कर लगा, क्या कर लगा भजन लाल जांच मेरी, कर ले जांच, कौन मना कर रहा, मैं तो विधानसभा में था ना, वो सुंदर ऐसे ज्यादा तो भजन लाल नहीं होगा ना भाई, वो जांच हुई ना, जांचों में मिला क्या था, कुछ भी नहीं मिलना मेरे भाई, जांच जिनकी होगी वो खुद ही पार्टियां बदल कर चले जाएंगे। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है, आपने देखा होगा लोकसभा में जो 3-4 लड़के कूदे थे कैसे ठोका उनको, देखा कि नहीं देखा है, वो तो अगर पूरा वीडियो चल जाता ना तो वही चलता देश के अंदर, वीडियो भी काट दिया लोकसभा अध्यक्ष ने कि हनुमान जी को पॉपुलरिटी नहीं मिल जाए, लोग भाग गए थे छोड़ के, जैसे ही घुसे भगदड़ मची, अरे भागो भागो, वहां भी मैं था, वहां भी नागौर का नाम था, कौम का नाम था, किसान का नाम था, तेजा जी का जयकारा मैंने लोकसभा के अंदर लगाया, तो नरेंद्र मोदी पास में बैठे बात करते राजनाथ सिंह जी के साथ कि हुज तेजा जी, तो मैंने मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी, रगड़वाई नहीं रगड़वाई मोदी, तो मैं ही लाया था। आज लखनऊ से लेके देश के प्रत्येक कोने के अंदर वीर तेजा जी महाराज के जयकारे के साथ हमारी कौम को और किसान को संगठित करने का काम किया, तेजा जी महाराज को पूरे देश के अंदर हमारे समाज के साथ साथ गुजर मीणा यादव तमाम शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई और मुस्लिम भी तेजाजी महाराज की जयकारे लगाते हैं कि जब आप खेती करने जाते हो तो तेजाजी को याद करते हो, और जिस तरह
भगवान श्री राम जी ने अपना वचन निभाया और 14 साल वनवास के लिए गए। तेजाजी महाराज ने वचन निभाया अपना कि मैं गायों को लेके वापिस आऊंगा, उसके बाद आप मुझे मौत के गले लगा लेना, मैं शहादत दूंगा। तो वचन के पक्के थे, इसलिए लोग उनको गाते हैं, याद करते हैं। और परमानेंट खरनाड़ में ये सुख जी बैठे हैं, हेलीपैड भी बन गया नहीं बन गया। अब अलग अलग नेता आएंगे, आप चिंता मत करो, अब कभी किसी प्रदेश का सीएम आएगा, कभी कहीं का आएगा, कभी पीएम आएगा, लेकिन काम हम सब मिलकर करेंगे। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि वीर तेजाजी महाराज का जन्म अपनी धरती पे हुआ और अपन उस जयकारे के साथ एक ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने कई आंदोलनों में देखा कि जैसे ही लड़ाई भिड़ाई की स्थिति होती है पुलिस और लड़कों में, और तेजाजी का जयकारा लगाते तो पीछे हट जाते हैं, भाग पीछे हटो, तेजाजी के भक्त आ गए। तो तेजाजी के भक्तों के अंदर वो ताकत है जो इस आने वाले समय के अंदर प्रदेश और देश का नेतृत्व करेगी। हमारे लिए तो खुशी की बात है, हमारी बहन है बिंदु जी, मंजू जी, महिला शक्ति, नारी शक्ति नेतृत्व के लिए तैयार है। बिंदु जी प्रमुख रही 3 बार, इनको एमएलए एमपी बनने का मौका नहीं मिला, इनको मैं कहता हूँ आपके भाग्य में लिखा है। और कोई जरूर थोड़ी एमएलए एमपी बना, क्या पता उससे ज्यादा बड़ी बन जाओ। भजनलाल ने सोचा क्या सीएम बनूंगा, तो सीधा ही आ जाएगा, आ जाओ भाई बुलावा आ गया। तो ये तो बुलावे होते, अपना भाग्य की बात है। अब मेरे भाग्य में एमएलए एमपी बनकर ही क्या हो गया बताओ, 4 बार एमएलए बन गया, 1 बार एमपी बन गया, ये छोटा भाई बन गया, पिताजी रह लिए, सत्ता में तो नहीं रहना, सत्ता के तो खिलाफ रहे। ये तो पकड़, सत्ता को पकड़ते हैं 2-3 महीने के लिए, फिर छूट जाते हैं 2-3 महीने के लिए, काम काज होते हैं इधर उधर से हो जाते हैं छोटे मोटे काम, वो भी आपके डर से। कई व्यक्ति सोचते हैं इनके काम कर दो वापिस काम आएंगे। तो भाइयों हमारे भाग्य में संघर्ष लिखा है, किसी के भाग्य में सत्ता लिखी होती है, और संघर्ष में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब की बार तो हरिंदर जी ने अपना काम आसान किया कि ज्योति मिर्धा को यहाँ शायद 15 से 20 हजार वोटों से हराया नागौर के अंदर। अब 3 बार तो हो गई, 2 बार 14-19, 3 नागौर, और 4थी बार आप सब इस बार जोरदार ढंग से मायरा भरने के लिए उतावले हो रहे हो सारे सारे, क्योंकि हमारा जाहिल का और नागौर का मायरा प्रसिद्ध। तो मैं मंजू जी के लिए ही कह रहा था कि जाहिल में लीड सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि मायरा जाहिल का ही गीतों में गाया जाता है देश के अंदर। अब के खेउंसर में भी आप चिंता नहीं करें, वो विधानसभा चुनाव में 2000 की बढ़त रही थी तो कई लोग राजी हो रहे हैं कि खेउंसर में अब के ठीक कर दे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि खेउंसर की लीड मकराना से भी बड़ी लीड होगी नागौर के अंदर, वो 70,000 पार जाएगी खेउंसर की लीड। क्या खेउंसर वाले कितने बैठे हैं यहाँ, है क्या, कर दोगे काम कर दोगे ना, ठीक है। और नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि छोटी मोटी कोई गाड़ी घोड़ो लगाना हो तो ज्योति को लगवा लीजिए, कोई दिक्कत कौन है, वोट वालों ध्यान रखना अपन, ठीक है। वो इंडिया बुल्स का जो पैसा है उसके पास जो भी है वो आपके खून पसीने की कमाई है, अगर थोड़ा बहुत झड़का ही दिए तो टाइम हो जाए आपने काम कर लेना। अब एक बार वापिस सही जगह पे तैयार, नीचे बैठे तैयार हो। और नागौर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नागौर हाथ खड़ा कर देगा, अब वही वापिस कर दिया और नागौर तो हरिंदर जी बैठे, मैं बैठा हूं, और जाके हो गए ना फिर सारा गणित है ना, तो समझ गए आप लोग। नहीं पर बस जाहिल तो सारा चल रहा, कल से मैं आ गया था, और आधे लोग आज यहाँ इसलिए भी नहीं आए कि उन्होंने कल सब जगह स्वागत कार्यक्रम किया, 5 बजे महेंद्र जी थे, 5 बजे हम आके यहाँ सोए थे 5 बजे। तो और इस चुनाव के दौरान एक दो बड़ी रैलियां करेंगे आप सबको अलग अलग तरीके से, फिर अगर आप चाहोगे कि बड़े नेताओं को बुलाना है तो ये जाकिर साहब तय करेंगे, हरिंदर जी तय करेंगे क्या करना है। आप तो हमें, क्योंकि चुनाव तो इन्होंने कहा ना भाई बोतल को हाथ में पकड़ लिया, अब इनको तय करना कि कौन सा नेता कहाँ आएगा, तय ये करेंगे मुझे बता देंगे, आप लोग आ जाओगे और कार्यक्रम सक्सेस होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इस बार रिकॉर्ड टूट जाए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार अगर लोकसभा में आपने भेजा तो नए परिणाम देश की राजनीति के अंदर आएंगे, नए परिणाम राजस्थान की राजनीति के अंदर आएंगे। और मैं कांग्रेस पार्टी के मेरे नेताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं,
अगर मेरे लिए कोई एक बार काम आता है उसके लिए तीन बार मैं वैसे ही आता हूँ, चार बार। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि हनुमान जी ने एनडीए का गठबंधन छोड़ दिया था। छोड़ा थोड़ी था, जब किसान के खिलाफ बात आई तो छोड़ा था। मैं तो तैयार था विधानसभा चुनाव के अंदर भी अलायंस के लिए। महेंद्र जी ने जो बात कही थी कि अलायंस नहीं हो पाया, कई जगह तो मैंने अलायंस किया था कांग्रेस से पर्दे के पीछे से, तभी तो कई लोग जीते थे। कई जगह मैं चाहता था अच्छे लोग आए, अच्छे लोग जहां भी आएंगे जब ठीक होगा। लेकिन मैं जैसे झारोड़ा साहब ने बताया उस समय मैं विधायक नहीं बना, टिकट मुझे 98 में मिला, 3 में चुनाव लड़ा, भाग्य में नहीं था, इनके भाग्य में था। मैं और रूपाराम जी इनका प्रचार कर रहे थे दोनों, और इन्होंने उस समय जीत के ये नागौर का संदेश दिया कि नागौर के लोग पूंजीपति के साथ नहीं है, नागौर के लोग सरकार के साथ नहीं है, सरकार को उखाड़ के फेंकना ये नागौर की आदत है, कि सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और मजबूती जो पूंजीपति होगा उसके खिलाफ लड़के और गरीब के साथ रहेंगे, ये नागौर की आदत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी ताकत के साथ आशीर्वाद देना, और इस बार वापस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेज के पुनः नई किसान राजनीति को हमें स्थापित करना इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सुबह तो नेताजी वीर नेताजी के खन्ना जाके आगे थे, और अभी यहाँ से अब आप लोग जो जिले से और इलाके से आए हो अपने अपने साधनों, एक चीज का ध्यान रखना, गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 60 और 70, इससे ज्यादा नहीं, आराम से चलना है। सब चुनाव का टाइम है, कई लोग आपको उकसाएंगे, कई भड़काएंगे, अपने को किसी बात में नहीं आना। एक ही चीज का ध्यान रखना है कि उन जो चुनाव है उसमें बोतल और हमारा जो इंडिया अलायंस है ये कैसे जीते और ज्यादा से ज्यादा वोट हमें कैसे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं सुबह तेजा जी महाराज के और गजानंद जी महाराज के जाके आया था, एक डांस करेंगे, डांस पीछे एक अभी सब लोग रुक रहे पे थोड़ा नाच लेंगे ना, आपको डांस करना है तो मंच को ताली करो, मंच पे डांस इससे नहीं।